कहानियां। दोस्ती। मोहन ने मुझे अपने घर चलने और वहां रात को ठहरने के लिए आग्रह किया और मैं फौरन रजामंद हो गया। कोई समय था कि हम दोनों का उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना और लिखना पढ़ना साथ ही होता था। वो न सिर्फ उम्र में मेरे बराबर था बल्कि मेरा पड़ोसी भी था। पहली कक्षा से मैट्रिक तक हम दोनों एक साथ पढ़े थे। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं कराची जाकर कॉलेज की दुनिया में दाखिल हुआ। उसका पिता मध्यम वर्ग का अवश्य था पर उसमें कॉलेज का गर्दन तोड़ खर्चा भरने की ताकत न थी। मोहन कुछ समय बेरोजगार रहने के बाद PWD विभाग में मुलाजिम हो गया। हम एक बार एक दूसरे से अलग हुए तो मिलने वाले अलग राहों पर आगे बढ़ते गए। वर्षों बाद जब हम आपस में मिले तो मैं सिंध में नहीं परंतु अहमदाबाद के गांधी चौक में। हमारे इस लंबे वियोग वाले समय में दुनिया के न जाने कितनी करवटें बदल चुकी थी। वो अपने विभाग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रोड्स डिवीजन में हेड क्लर्क बन गया था और मैं तो साहित्य और समाज सेवा के चक्कर में फंस कर न घर का रहा और न घाट का। मोहन का घर मणिनगर में था। उसने मेरे साथ बस में बैठते हुए पूछा, तुमने शादी की है? मैंने हंसकर उत्तर दिया, मैं जिंदगी में स्वयं को अब तक व्यवस्थित नहीं समझता। किसी अन्य जाय से विवाह कर उसे भटकाना मुझे पसंद नहीं। वो आश्चर्यचकित होकर कुछ और पूछे इससे पहले मैंने उससे सवाल पूछा, तुमने तो जरूर शादी की होगी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की जगह खुशी की झलक दिखाई दी। उसने खुश होते हुए कहा, मेरी एक बेटी भी है, रेखा भी अब 5-6 साल की हो गई है। इतना कहने के बाद वो मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हें शादी का निमंत्रण भेजता पर सिंध से निकलने के बाद यहाँ जाना जरा कठिन हो गया था कि कौन कहाँ रहता है। फिर उसने जरा गंभीर होकर कहा, तुम आते थोड़े ही। मैंने आश्चर्य से पूछा, यानी तुम्हें लिखने और भाषण करने से फुर्सत कहाँ मिलती है? वो हंसा और मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हम दोनों घर के बरामदे में दाखिल होने वाले ही थे कि रेखा दौड़ती आई और अपने पिता से लिपट गई। उसने कहा, दादा आप पाकिस्तान से गाय ले आए? मोहन ने मेरी ओर देखकर कहा, हमारे पड़ोसी ने कल एक गाय खरीदी। रेखा कहने लगी, मुझे भी एक गाय चाहिए। मैंने टालने के लिए उससे कहा, हमारी गायें पाकिस्तान में हैं। तो वो कहने लगी, पाकिस्तान से गायें ले आओ। मैं हंस पड़ा। रेखा ने फिर अपना सवाल दोहराया, आप पाकिस्तान से गाय ले आए? मोहन ने नीचे बैठकर रेखा की बाहें अपने गले में डालते हुए कहा, कल जरूर ले आऊंगा, आज अपने चाचा से तो मिल, उससे नमस्ते तो करो बेटा। रेखा ने अपनी नाजुक बाहें मोहन के गले से आजाद कर अपने कोमल हाथ मेरी ओर जोड़कर कहा, चाचा जी नमस्ते। मेरे हाथ अपने आप उसके हाथों की ओर बढ़े। मैंने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, रेखा। मम्मी मुझे रेखा रानी कहकर बुलाती है। मैंने उसका दाहिना हाथ उठाकर अपने गले के पीछे घुमा लिया और उसे खींचकर छाती से लगा लिया। मोहन ने हंसकर कहा, लेखक महाशय शादी बंधन ही सही पर उसकी अपनी बरकतें हैं। मुझसे उसकी बात को नकारने का साहस न था। मैंने चुपचाप निहायत कोमलता से रेखा को नीचे उतारा। वो दौड़ती हुई घर के भीतर चली गई। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा। मोहन ने मेरी मानसिक स्थिति भांप ली। उसने बात बदलते हुए, बाबा प्रिया कहा करते थे, जब माखन था तब दांत नहीं थे, जब दांत हैं तब माखन नहीं है। मैं अभी तक दरवाजे की ओर ताक रहा था पर मोहन ने जब मुझे अंदर चलने के लिए कहा तो मैंने खुश्क आवाज में उत्तर दिया, मैं यहीं बैठता हूँ। इतना कहकर मैं बरामदे में रखी हुई मूस से बुनी खाट की ओर बढ़ा। मैं खाट के पास पहुंचा ही था तो उससे पहले ही घूंघट से मुंह ढके एक औरत हाथ में शतरंजी लेकर खाट तक पहुंच गई। मोहन ने उससे शतरंजी लेकर कहा, मुंह क्यों ढका है? ये मेरा दोस्त है, भाइयों से भी ज्यादा। उस औरत ने कोई उत्तर न दिया और न ही घूंघट हटाया। वो चुपचाप मोहन को शतरंजी बिछाने में मदद करती रही। शतरंजी बिछ गई तो मेरी ओर घूरकर रेखा से तकिया लेकर चारपाई के सिरहाने की ओर रखा और फिर चुपचाप अंदर चली गई। रेखा को देखते ही मैं समझ गया था कि मोहन की पत्नी सुंदर होगी। औरतों के हाथ और पैर देखने से ये मालूम हुआ कि वो गोरे रंग की थी। मैं खाट पर बैठा ही मोहन के कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया। रेखा धीरे धीरे टहलती आगे बढ़ती हुई मेरे पास आई।
फिर धीरे से पूछा, मैं अपनी गुड़िया तुम्हें दिखाऊं? मैंने कहा, हाँ हाँ ले आओ। रेखा जब वापस आई तब उसके हाथों में गुड़िया नहीं, मिठाई की प्लेट थी। उसके पीछे उसकी माँ घूंघट से मुंह ढके एक छोटी तिपाई ला रही थी। मोहन ने तौलिया मेरी ओर बढ़ाया, मैं हाथ मुंह धोकर फिर अपनी खाट पर आ बैठा तो रेखा अपनी गुड़िया हाथों में लेकर हिलती डुलती मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, वाह गुड़िया तो बहुत सुंदर है। रेखा ने पूछा, मुझसे भी सुंदर है? मैं क्षण भर के लिए कोई उत्तर न दे सका। मैंने मिठाई का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहीं तुम तो इससे भी ज्यादा सुंदर हो। रेखा मिठाई न लेकर पीछे से रखती गई। मोहन ने उससे कहा, बेटा मिठाई लो ना, ये तुम्हारे चाचा है ना। रेखा मुझसे मिठाई लेकर गुड़िया मेरे पास ही छोड़कर कमरे में अंदर चली गई। जब वो दोबारा बाहर आई तब दूर से ही पूछती आई, आप मुझे कहानी सुनाएंगे? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मुझे कहानी आती ही नहीं। मम्मी कहती है कि आपको बहुत सारी कहानियां आती हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चला? उसका उत्तर मोहन ने दिया, मेरी श्रीमती किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन है। मैंने तुम्हारी इतनी कहानियां नहीं पढ़ी होंगी जितनी इसने पढ़ी हैं। मैंने हंसकर कहा, फिर भी मुझसे मुंह ढक रही है। मोहन ने कहा, कहती है दूसरी बार जरूर खोलूंगी, उनसे उनकी कहानियों के बारे में सवाल भी पूछूंगी। मेरी जबान से अचानक निकल गया, तो आज क्यों नहीं पूछती? रेखा ने मेरा हाथ पकड़ पूछा, कहानी सुनाइएगा? जरूर, तो फिर सुनिए ना, सोने के समय सुनाऊंगा। सोने के समय तो मम्मी मुझे कहानी सुनाती है, आप भी सुनाइए। आज तुम मम्मी के बजाय मुझसे कहानी सुनना, फिर मैं आपके साथ सोऊं। मैं कोई उत्तर न दे सका। मोहन ने कहा, ये हर रोज माँ से कहानी सुनती है, फिर माँ के पास ही सो जाती है। मैंने हंसकर रेखा के वालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर तुम आज मेरे साथ सोना। बार बार रेखा मुझे कहानी सुनाने का वचन याद दिलाती रही। रेखा की मम्मी रोटी बनाने के समय फिर मेरे सामने आई, पर तब और भी ज्यादा घूंघट के साथ। मुझे उसका घूंघट एकाएक खटक रहा था, तो उसमें छुपी हुई एक सुंदर नारी नहीं एक श्रद्धालु पाठक से आमने सामने होने की उत्सुकता दूसरी ओर बढ़ रही थी, पर मेरी जबान में इतनी ताकत पैदा नहीं हुई कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। खाना खाने के बाद मोहन ने पूछा, यहाँ भोजन के बाद पान खाने की आदत तो जरूर हुई होगी? मैंने संक्षिप्त में उत्तर दिया, अब तक नहीं। हमें तो आदत है कि पान न खाया जाए तो खाना हजम ही न हो। ऐसा कहकर वो बरामदे से नीचे उतरने लगा। मैंने पूछा, कहाँ? उसने उत्तर दिया, चलो पान भी खाएं और थोड़ा टहल भी आए। रेखा ने जाकर अपने पिता की तर्जनी पकड़ी और कहा, पापा मैं भी चलूंगी। मैंने बरामदे में रखी खाट की ओर बढ़ते हुए कहा, आप आओ मैं यहीं बैठा हूँ, रात के भोजन के बाद मुझे टहलने की आदत नहीं। रेखा ने पापा को खींचते हुए पूछा, आपके लिए पान लाएं? जरूर, मैं चारपाई पर बैठ गया। उसके जाने के बाद मेरा दिल अपने श्रद्धालु पाठक का दुख देखने और उससे कुछ बातें करने के लिए आतुर हो उठा। चारपाई से उठकर मैं घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक पीछे से आवाज आई, मीठा पान कहेंगे या सादा? मैंने चौंककर पीछे देखा, रेखा आधे रास्ते से दौड़ती और हाँफती हुई वापस आई थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए मीठा पान लाना। रेखा दौड़ती हुई वापस चली गई, मुझमें से घर के अंदर जाने की हिम्मत निकल गई। मैं बरामदे के आगे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर टहलता रहा। रेखा की माँ एक बार फिर मेरे सामने आई, हाथ में दूध का गिलास लेकर। उसका चेहरा बदस्तूर घूंघट में भीतर छुपा था। मैंने उसके हाथों से दूध का गिलास न लिया और कहा, मैं दूध नहीं पीता। वो फिर मुंह फेर कर वापस अंदर जाने लगे। मैंने हंसकर कहा, भाभी आपको मेरी कौन सी कहानी पसंद है? भाभी शब्द सुनकर वो जरा रुक गई, पर उसके बाद के शब्द सुनकर वो जवाब देने के सिवाय ही तेज रफ्तार से अंदर चली गई। सोने का समय हुआ तो रेखा मेरे बिस्तर पर चली आई। मैं एक करवट लेटा हुआ था, मेरी कमर पर चढ़ने की कोशिश करते हुए उसने कहा, चाचा जी कहानी सुनाइए, फिर तुम मेरे साथ सोओगे? हाँ, मैं मम्मी से पूछ आई हूँ। मैं सीधा होकर पीठ के बल लेटा तो वो अपनी कोहनिया मेरी छाती पर रखकर मुंह अपने हाथों पर टिकाकर मेरा चेहरा ताकने लगी। मैंने कहा, एक था राजा, फिर वो खाता था काजू, जाकर बैठा आंख पर। उसने आधे में ही मुझे काट कर कहा, ये कहानी तो मैंने कई बार सुनी है। मैंने थोड़ा सोच विचार कर कहा, एक था राजा, उसे संतान ही नहीं थी, ये कहानी तो मम्मी ने मुझे सुनाई है। मैं फिर सोच विचार में डूब गया। उसने मुझे झकझोरते हुए कहा, चाचा जी कहानी सुनाइए ना। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, एक था राजा, उसे 7 बेटियां थी,
उसने खफा होकर कहा। ये कहानी भी मैंने मम्मी से सुनी है। मैंने हार मानते हुए कहा, मुझे दूसरी कोई कहानी नहीं आती। मम्मी कहती आप कहानियां बनाते हैं, मुझे राजाओं की कहानियां नहीं आती। एकदम उसने कहा, मैं आपको कहानी सुनाऊं? सुनाओ। ये कहानी आज ही मम्मी ने मुझे सुनाई है। अच्छा सुनाओ न भला। पाकिस्तान के गांव में एक लड़की रहती थी। चाचा जी पाकिस्तान बहुत दूर है ना? हाँ तुम कहानी सुनाओ। वहां एक लड़का आया, उसका उस गांव में ननिहाल था। कुछ रुककर उसने फिर कहा, वे दोनों साथ में खेलते थे, अदि दानीनी का खेल खेलते थे। चाचा जी अदि दानी का खेल क्या होता है? तुमने अपनी मम्मी से नहीं पूछा? उनसे कहा, अपने चाचा जी से पूछना। जैसे तुम गुड्डों और गुड़ियों का खेल खेलती हो, उसी तरह बहुत पहले गांव में लड़के और लड़कियां गुड्डे और गुड़िया बनाते थे। फिर क्या होता था? तुम अपनी कहानी सुनाओ। उसने क्षण भर रुककर कहा, लड़का लड़की का दूल्हा बनता था। उस लड़के ने लड़की से कहा कि बड़ा होकर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। शादी क्या होती है चाचा जी? मम्मी से पूछाओ, मम्मी नहीं बताती। तुम पहले अपनी कहानी सुनाओ तो बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। वो लड़का जब उस गांव में आता था तो हर बार उस लड़की से यही बात कहता था। मेरे मुंह से अचानक ये शब्द निकले। फिर क्या हुआ? वो लड़का कॉलेज में गया। कॉलेज क्या होता है चाचा जी? मैंने बेसब्र होकर पूछा। तुम कहानी सुनाओ। लड़के ने लड़की को भुला दिया। फिर लड़की आस लगाकर बैठ रही। आस क्या होती है चाचा जी? मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, आखिर क्या हुआ? उसने मानो अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए कहा, वो लड़का फिर उस गांव में नहीं आया और लड़की की शादी उसके माँ बाप ने किसी दूसरे लड़के से कर दी। मुझे मानो सांप सूंघ गया। मेरी जबान से एक शब्द न निकला। उसने शरारती तरीके से कहा, कहानी खत्म हुई, अब एक आना दो। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, यह भी कोई कहानी है? मैंने भी मम्मी से यही कहा था। मम्मी ने पहली बार ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें लड़के और लड़की की शादी नहीं होती। मैंने पूछा, फिर उस लड़के का क्या हुआ? मैंने घुटी हुई आवाज में पूछा, उसने क्या कहा? उसने कहा, लड़का पहले बहुत दूध पीता था, अब बिल्कुल नहीं पीता। मैं अचानक उठ बैठा। मेरी हालत उस आदमी की तरह हो गई जिसे सांप ने काटा हो और जहर उसकी नस नस में फैलकर उसके पूरे शरीर को पीड़ित कर गया हो। उस समय मोहन बाहर निकला। मुझे परेशान देखकर उसने कहा, रेखा ने तुम्हें शायद बहुत तंग किया है। मैंने रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, गांधी चौक से बस चलती होगी। उसने घड़ी देखकर कहा, 10:30 बज गए, अब बंद हो गई होगी। फिर भी क्यों? मैं चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और पूछा, टैक्सी मिलेगी? मुझे किसी से आज जरूर मिलना है। मोहन ने गंभीर होकर कहा, तुमने यहाँ रात रहने का वादा किया है, सुबह को वो बड़ौदा चला जाएगा। मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ। रेखा ने रोने सी आवाज में कहा, चाचा जी आप जा रहे हैं? मेरे साथ नहीं सोएंगे? मोहन ने कहा, लेखक होना भी मुसीबत है। मैंने रेखा से कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? उसने बेधड़क कहा, मम्मी चलेगी तो मैं भी चलूंगी। मेरा मूड खराब हो गया। मोहन ने कहा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, स्टेशन रोड पर शायद कोई टैक्सी मिल जाए। मैंने रेखा को गोद में उठाकर कहा, मम्मी से कहना कि वो लड़की लड़के से शादी कर दुखी हो जाती, अब वो बहुत सुखी है। बरामदे के दरवाजे की ओर से एक जरानी आवाज आई, गोया कोई अपने आप से बात करते हुए कह रही थी, औरतों के सुख की नाप तोल मर्दों से निराली है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मोहन कपड़े बदलकर मेरा जैकेट भी लेता आया। मैं जैकेट पहनकर बरामदे से नीचे उतरा। मोहन ने हंसते हुए कहा, सुबह को उससे मिल न सकोगे? ना, कहकर मैं आगे बढ़ा। मोहन पीछे कहता आया, बचपन वाली जिद की आदत अभी तक तुम में है। पीछे रेखा की आवाज आई, चाचा जी टाटा, फिर कब आएंगे? मैंने मुंह पीछे फेरने के सिवाय हाथ के इशारे से उससे विदाई ली। नकल का फल। एक चरवाहा बहुत सी भेड़ों और मेमनों को चराने किसी खुले मैदान में ले गया। भेड़ और मेमने घास चरने लगे। चरवाहा एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसकी आंख लग गई। उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा था। तभी एक उकाब कहीं से उड़ता हुआ आया। वो भेड़ों के ऊपर आकाश में चक्कर काटने लगा। अवसर पाते ही वो नीचे की ओर आया और झपट्टा मारकर एक मोटी ताजी पर छोटी भेड़ को उड़ा ले गया। दूर पेड़ पर बैठा कौवा ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छा साधन है, न जाने कहां से ये उकाब आया और एक भेड़ को उठाकर ले गया।
अब कई दिनों के भोजन का प्रबंध हो गया। मुझे ये बात क्यों नहीं सूझी, चलो देर आए दुरुस्त आए, तब नहीं तो अब सही, मैं भी एक बड़ी सी भेड़ उठाकर ले जाता हूँ, मेरा तो महीनों का कोटा पूरा हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो भी उकाब की तरह आकाश में मंडराने लगा। बिल्कुल उकाब का अनुसरण करते हुए उसने एक बड़ी सी भेड़ को जा दबोचा और उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि वो उकाब जितना शक्तिशाली नहीं है, वो उकाब से अपनी बराबरी करने की गलती कर बैठा। परिणाम स्वरूप स्वयं ही मुश्किल में पड़ गया। क्वे के पंजे भेड़ के बालों में फंस गए। बहुत कोशिश करने पर भी वो उन्हें भेड़ के बालों से निकाल न सका। उसने फड़फड़ाते हुए बहुत कोशिश करने पर भी वो उन्हें भेड़ के बालों से निकाल न सका। उसके फड़फड़ाते हुए पंखों की आवाज से घबराकर भेड़ मिमियाने लगी, जिसे सुनकर चरवाहे की नींद टूट गई। वो तुरंत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। कौए की दशा देखकर वो सब कुछ समझ गया। उसने कौए को भेड़ के बालों से आजाद कराया और कसकर पकड़ लिया। कौए ने बहुत कोशिश की, लेकिन चरवाहे की पकड़ से छूट न सका। चरवाहा भेड़ों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने कौए को अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो बोला, अरे भाई, इस बेचारे कौए को क्यों पकड़ रखा है? चरवाहा हंसता हुआ बोला, तुम्हें ये कौआ लग रहा है, पर ये तो खुद को उकाब समझ रहा था, इसलिए भेड़ को उठाकर ले जा रहा था, कहकर उसने सारी बात उस आदमी को बता दी। पर अब ये कौआ भी नहीं रहेगा, मैं इसके दोनों पंख काट दूंगा ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। वो आदमी बोला, मित्र, अपनी गलती का एहसास तो इसे तभी हो गया होगा जब इसके पंजे भेड़ के बालों में उलझ गए होंगे, और उसे उठाकर तो क्या ये स्वयं भी नहीं उड़ सका। तुम क्यों पाप के भागी बनते हो, इसे छोड़ दो। उसकी बात मानकर चरवाहे ने कौए को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। नाम याद नहीं। हठात एक दिन सुबह 8 बजे अशोक को आभास हुआ उसकी याददाश्त में कुछ गड़बड़ी हुई है, नाम याद नहीं रहता। अशोक सभ्य समाज का एक सर्वव्यापी जीव है। बाहर निकलने पर शहर की सड़कों एवं गलियों में कम से कम 6 बार उससे मुलाकात हो सकती है। कहीं खूब तेज गति से अपनी पुरानी हरकुलिस साइकिल पर बैठकर भीड़ काटते हुए साय से निकल रहा होता है। स्वस्थ और सुंदर नौजवान, साइकिल चलाने में निपुण, साइकिल की पुरानी हैंडल पर एक सफेद चकचक प्रकांड गोल घंटी तांगे की घंटी की तरह आवाज करती है ठंड ठंड। पान की दुकान पर कहीं वो सिगरेट का नया पैकेट खरीद रहा होता है, कहीं रास्ता रुककर साइकिल पर पीठ टिकाकर कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके अपने राज्य की विभिन्न समस्याओं पर मुक्त कंठ से तेज तर्रार भाषण दे रहा होता है, लोगों की राय सुन रहा होता है। गोल गोल चेहरे पर तितली कट मूछ के नीचे सफेद दांतों के बीच से रह रहकर सिगरेट का धुआं निकलता रहता है। दूर से ही पहचाना जा सकता है उसे, क्योंकि एकत्र जनसमूह से वो कुछ लंबा है और उसका सीना चौड़ा है। कहीं वो साइकिल पकड़े हुए सीना तानकर मार्च करने की मुद्रा में एक छोटे समूह के साथ पैदल जा रहा होता है, और सभी जगह बीच रास्ते में किनारे मकान के चबूतरे से चलती मोटरों में से एक जैसी आवाज आती है, नमस्कार अशोक बाबू, नमस्कार नमस्कार। इसलिए हठात यदि ऐसे व्यक्ति की याददाश्त क्षीण पड़ जाए और उसे नाम याद न रहे तो निश्चय ही संकटपूर्ण स्थिति हो जाती है। हालांकि उसकी याददाश्त में और किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ सिवाय नाम भूलने के। परिस्थितियों को लेकर वो पूरी तरह सचेत था। उसका वैश्विक ज्ञान रत्ती भर भी नष्ट नहीं हुआ। पहले की तरह ही वो अपनी वकालत कर रहा है। थोड़ा बहुत खरीद बिक्री का व्यापार, कुछ राजनीतिक चर्चाएं एवं उनसे संबंधित नाम भी नहीं भूला। पर्वत का नाम हिमालय, देश का नाम भारतवर्ष, नदी का नाम महानदी, उसी तरह देश के गणमान्य व्यक्तियों के नाम, बहस के दौरान अखबार में बड़े बड़े हरफों में छपे नाम उसे खूब अच्छी तरह याद हैं। वो खैर और खरे, इन दो नामों के दोनों व्यक्तियों के बारे में अलग अलग सब कुछ बता सकता है, उसी तरह करप्पा और कुमरप्पा के बारे में, लेकिन भूल जाता है आम लोगों के नाम, परिचित दोस्त यार रिश्तेदार, सहपाठी सहकर्मी, किसी से रुपए उधार लिए हैं तो किसी को रुपए देने हैं, इन्हीं रोज मिलने जुलने वाले लोगों के नाम जिनके बारे में वो सब कुछ जानता है, वे लोग उसके लिए खैर या खरे नहीं है, नहीं हिमालय या भारतवर्ष है,
लेकिन सांसों में ले रहे हवा की तरह, जीने के लिए अनिवार्य पानी की तरह वे लोग हर पल उसके आसपास रहते हैं, पर उसे नाम याद नहीं। सुबह 8 बजे का वक्त है, साग बेचने वाला बूढ़ा आया है। चाय पीते हुए अशोक ने सिर उठाकर देखा, सिर पर तार तार हुए कपड़ों का साफा, छाती पर सफेद बाल, पेट पर ढेर सी दांत, यही तो है वो। क्या नाम है? गोपिया, मछुआ, जगुआ? नहीं, बूढ़े के बारे में सब कुछ जानता है, जानने का कारण भी है। सोचते ही दिखने लगती है उसकी दो कमरे की झोपड़ी, चारों ओर बना घेरा, मोहल्ले से अलग। बूढ़े की जवान बेटी को पति ने छोड़ दिया है। एक दिन बूढ़े ने कहा, बाबू जरा मेरी बात भी सुनिएगा। मार पीट कर घर से निकाल दिया, एक ओर ले आया है, उधर वो अनाप शनाप खा उड़ा रहा है, इधर ये उपवास में मर रही है। कान ऐट कर खुराक पोशाक वसूल देते, बाबू तुम्हारा यश रह जाता। ये बूढ़ा दुआएं करता, ठीक है किसी दिन तुम्हारे घर चलेंगे, लड़की से सारी बात पूछकर उसके बाद उपाय करेंगे। गया भी था, अभी तक याद है वो। भगवान लापरवाही से सड़ने को देता है इतनी सुंदरता, अनपढ़ लोगों के मन में देता है इतनी चतुरता व इतनी कविताएं। साल भर उससे संबंध रहा, खुराक पोशाक का इंतजाम हुआ और भी कुछ मिलता रहा, लेकिन चेचक की चपेट में आकर एक दिन असमय ही ये फूल मुरझा गया। लड़की चल बसी, बूढ़ा अब भी साग बेचता है। उसकी याद भुलाई नहीं भूलती, पर उसका नाम क्या है? उमा, रमा, मल्ली? याद नहीं, क्या उससे नाम पूछूं? न जाने क्या समझेगा बूढ़ा। साफ सुथरे जितने भी बाबू हैं, सबका मन ऐसा ही होता है, काम खत्म होते ही मन से बाहर। इतना स्नेह आदर, इतने दिनों की सुख भरी यादें मन के भीतर भीतर आज भी वो है। उसके बारे में सोचते ही आंखें भर आती हैं। उसका नाम याद नहीं, मन कहता है, पूछने पर बूढ़ा माफ नहीं करेगा। पीली पीली धसी हुई आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखेगा, जिस तरह देखा करता है उसके दामाद की बात चलने पर। क्या बाबू? बात कुछ बदलते हुए, कुछ अतीत की यादों में बहते हुए अनमय सा अशोक बोला, पूछ रहा था करौंदा बेचने लाए हो क्या? करौंदा? करौंदा तो कभी नहीं लाता बाबू, इन दिनों करौंदा कहाँ, अभी तो फल पकड़े ही नहीं होंगे। आश्चर्य से देखता रहा बूढ़ा। अशोक उठकर अंदर चला गया। उसी समय से वो काफी बेचैन है, वाकई उसे नाम याद नहीं रहता। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सोचने पर लगता है उसकी ये हालत पिछले कई दिनों से है। कल शाम किसी बड़े आदमी के घर पार्टी में आए किसी आगंतुक के आगे दो भद्र महिलाओं का परिचय कराते हुए उसने उन दोनों के पति का नाम उलट पलट कर दिया था, ये है मिसेस विश्वनाथम, ये है मिसेस परीक्षितम। ठीक उसके मुंह पर मिसेस विश्वनाथम चिल्ला उठी थी, आपने गलत कहा, मिसेस परीक्षितम वे हैं। आगंतुक उसके चेहरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे, मानो वे उसे समझना चाहते हों। अपरपक ज्ञान का अंजाम। उसके बाद आज सुबह वो बूढ़ा सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में आकर लोगों को देखते हुए नाम सोचता है, लेकिन नाम याद नहीं। जितना अधिक सोचता है उतना ही अधिक भ्रम में पड़ता है। माधव बाबू खड़े हैं, पान खरीद रहे हैं, 5 महीने पहले 2 किताबें पढ़कर लौटा देने के लिए ले गए थे, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। अशोक चिल्लाया, शंकर बाबू, शंकर बाबू। माधव बाबू ने नहीं सुना, तन्मयता पूर्व पान लगवा रहे हैं, गलती से कत्था जो डाल दिया, दूसरा पान लगाओ, देखो नकली जर्दा मत डाल देना। बार बार शंकर बाबू कहकर बुलाने पर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। अशोक के पहुंचते पहुंचते वे पान लेकर साइकिल के पैडल पर पैर रख चुके थे। आगे बढ़कर अशोक ने कहा, क्यों साहब बुलाने पर भी नहीं सुनते, निश्चित ही कार्य व्यवस्था अधिक है। मुस्कुराते हुए माधव बाबू ने कहा, काम की बात अब मत कहिए साहब, आप जैसा आजाद होता तो फिर बात ही क्या थी। चलिए काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, सब ठीक ठाक तो है ना? चल रहा है, अशोक ने कहा। बुलाते बुलाते जब जवाब नहीं मिला तो सोचा आप भूल गए हैं, मुझे बुला रहे थे आप? हाँ, खूब जोर जोर से। हैरत है, तो फिर मेरे दोनों कान कहाँ गए थे? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुना आवाज देता हुआ एक आदमी गया है कि म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में गाय बैल छोड़ने पर सरकारी बाड़े में डाल दिए जाएंगे। इसके बाद सब्जी वाला आवाज देते हुए गया, पतली पतली मीठी तुरई। हाँ भूल रहा हूँ, कोई शंकर बाबू पुकारते हुए भी गया, शायद पीछे शंकर पान वाले की दुकान है, उसी को ढूंढ रहा होगा। आजकल तो सभी बाबू हैं। क्यों, पर आपने मुझे कब बुलाया? अशोक के चेहरे पर पसीने की बूंदे उभर आई। पता चल गया ये शंकर बाबू नहीं है, कुछ आम नाम है। छोड़िए, वो बोला, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बुला रहा था, फिर भी सुनूंगा कैसे नहीं, कानों में असली सरसों का तेल डालता हूँ। जरा एक बार फिर बुलाइए साहब, आप किस तरह बुला रहे थे? चलिए जाने दीजिए, कुछ भी हो,
आप कानों में सरसों का तेल डालते हैं? नाक में तो नहीं डालते ना? लीजिए सिगरेट। हाँ क्यों, दोनों किताबें पढ़ चुके? कौन सी किताबें? फिर आफत, किताबों के नाम याद नहीं? वे ही किताबें जो आप मुझसे पढ़ने को ले गए थे। यदि पढ़ चुके हो तो लौटा दीजिए, यदि न पढ़ी हो तो 7-8 रोज और रख ले, कोई बात नहीं। बड़ी हैरत की बात है अशोक बाबू, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी कोई किताब नहीं लाया। क्या नाम बतलाया आपने? मेरी सारी किताबें तो बैठक में होती हैं, फिर भी मैं ढूंढूंगा। खैर छोड़िए, आप किसी दूसरे काम से जा रहे हैं, काम भूल जाएंगे। आप किस वक्त घर पर रहेंगे? आज तो छुट्टी है, बाजार से लौटकर 11 बजे के बाद से मैं घर पर ही रहूंगा। आप आइए, खुद भी ढूंढ लीजिएगा, शायद हो किताबें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है किताबें नहीं है, लाया ही नहीं, होंगी कहाँ से। फिर भी आप आइए। अच्छा नमस्कार। उसके चले जाने के बाद अशोक काफी देर तक उन्हें पीछे से देखता रहा। उसे गुस्सा आया, लोग बड़ी आसानी से चीजें दबा लेते हैं। दुनिया के असूल के बारे में सोचकर मन ही मन क्रोधित होते हुए चला जा रहा था कि अशोक बाबू की आवाज से उसकी अनमनस्कता टूटी। अति आग्रह पूर्वक दोनों हाथ आगे बढ़ाए हुए दौड़े चले आ रहे वे बंधुवर हंसी में सोने की तार से बंधे लंबे लंबे कीड़े लगे दांतों की छवि, सिर्फ एक हरी हवाई शर्ट, खाकी पैंट, सिर पर हल्के रंग की चिपटी टोपी, हाथ में चमड़े का बैग। हेलो हेलो, यूसी अशोक बाबू, क्या सब चल रहा है? दुनिया की खबर क्या है? हाउ डू यू डू, सब ठीक है ना? जरा भी याद नहीं आ रहा ये सज्जन कौन है। हालांकि चेहरा पहचाना सा लग रहा है। अशोक का मन बुरी तरह सोचने लगा, ये कौन हो सकते, याद नहीं आया। इधर बंधुवर खाकी पैंट की जेब से सिगरेट केस निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, कैसे हैं यूसी, काफी अरसे के बाद है वन, और सब ठीक ठाक है ना? कौन है ये व्यक्ति, इतने अपनेपन से बात कर रहा है? पहनावे, बातचीत करने की मुद्रा, चेहरे आदि से अशोक ने अंदाजा लगाया, ये कोई ACSO है, संभवतः किसी रियासत में पोस्टेड है। CSO नहीं है, नहीं सुपरवाइजर है, निश्चित ही ACSO है। हठात इस निर्णय पर पहुंचने का कोई ठोस कारण नहीं पा सका, किसी बात का अंदाजा लगाया जाता है। उसके बाद पूरे मन में हलचल मस्ती है, सोचता है ये ठीक है, यही ठीक है। पहले आप अपनी सुनाइए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, बस चल रहा है, बुरा भी नहीं यूसी। वो सोचता ही रहेगा। उसके बाद यूसी, फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। हाउ डू यू मीन, बूढ़े 45 साल के व्यक्ति को बूढ़ा कहा जाता है? यूसी, मिलावटी तेल, मिलावटी घी, पनिया दूध पीकर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अर्थ चिंता करते करते मन टूट जाता है। हालांकि ये सारी चिंताएं आपको नहीं है, वे बंधु कुछ अप्रस्तुत से बोले, छोड़िए ये सब, हम लोग कुछ अधिक पर्सनल होते जा रहे हैं। यूसी, ठीक है तो अब इम्पर्सनल होते हैं, कैसा चल रहा है आपका काम? बंधु मुस्कुराए, बोले, हमारा काम तो आप खबर में पढ़ते ही होंगे। पढ़ते तो हैं, फिर भी आप क्या सोचते हैं? बंधु मुंह सिकोड़ने लगे, जरा गंभीर होते हुए बोले, काम चल रहा है जैसा चलना चाहिए, मैं भला और क्या सोच सकता हूँ। आपके कलेक्टर कैसे हैं? कलेक्टर, हाउ डू यू मीन यू सी, कौन से कलेक्टर? ये कबक अशोक का धैर्य टूट गया। ऐसा लगा वो व्यक्ति ACO भी नहीं है, तो क्या कोई एरा गहरा है या कोई इंश्योरेंस वाला है? हमारा काम तो आप अखबार में पढ़ते ही होंगे, हाथ में चमड़े का बैग है। आगे आगे बढ़कर बातें करना, हठात सिगरेट पड़ाना, अनाप शनाप बातों का जाल बुनना, कुछ पल बीत गए। अशोक ने खींचते हुए कहा, माफ कीजिएगा साहब, जरा अपना नाम बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। बंधु ने मुंह लंबा करके सूसू आवाज करते हुए 2 मिनट तक हवा सोखी, बड़ी बड़ी आंखें अशोक बाबू के चेहरे पर स्थिर करते हुए बोला, गुड हेवंस यूसी, कितने ताज्जुब की बात है, भूल गए, आपके छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाया था 1 साल, कई लोग पढ़ाते थे, हमने 1 साथ लॉ की परीक्षा भी दी थी, वो तो लगभग 250 लोगों ने दी थी। आपके पिता के साथ मेरी कितनी घनिष्ठता, पिताजी के मित्रों की संख्या सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उसके बाद कचहरी की मुलाकातें, क्या कह रहे हैं आप, आपको कुछ भी याद नहीं? उनका आत्माभिमान अपमान की वजह से चित्कार कर उठा, लेकिन अशोक की खींच बढ़ती जा रही थी। साइकिल को अपने और करीब खींचते हुए उसने कहा, लंबी कहानी की संक्षेप करते हुए कहिए न साहब, आपका नाम? ओ आई सी, बंधु ने कहा, मेरा नाम नील माधव दास है, IAS पाने के बाद इस वक्त कश्मीर कमीशन में हूँ। फादर इन लॉ अचानक एक्सपायर कर गए थे, इसलिए छुट्टी पर आया। यूसी, लगता है आप भूल गए, खैर आपकी दया है, नमस्कार। शर्म से आंखें झुक गई अशोक की। उसने कहा, ओ कितने दिन कितनी रातें हम एक साथ रह चुके हैं,
आप समोसा खाना पसंद करते थे ना, इसलिए पार्क होटल, नरी बाबू और खैर छोड़ी, सब कुछ याद है साहब, आपको भला भूल सकता हूँ। ये सुनकर आपको दुख होगा कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ भी याद नहीं रहता, कहिए क्या करूँ। लेकिन बंधु को मानो विश्वास नहीं हुआ, लौट पड़े, बोले अच्छा नमस्कार, कश्मीर पहुंचकर पत्र लिखिएगा साहब। न सुनने की तरह बंधुवर चले जा रहे हैं। इसके बाद रास्ते में हर रोज चारों ओर से नमस्कार नमस्कार, कहिए अशोक बाबू कैसे हैं। आदतन उसकी ओर से भी प्रति नमस्कार सुख दुख, लेकिन आज वो नाम ढूंढ रहा है, नाम नहीं मिलता। इनके साथ इतना संबंध, इतने दिनों की हंसी मजाक दुख सुख की जीवन यात्रा, लेकिन नाम याद नहीं आते। आशंका हो रही है कहीं पुनः इस तरह की कोई समस्या ना आ टपके, जबकि का के नाम को वो बा कह बैठे। इसलिए किसी को बुलाते समय वे नाम नहीं लेते, सिर्फ ऑडियो संबोधन भर से काम चला लेते हैं। एस ए साहब, किताबें दोनों लेनी है, शायद यही उन साहब का मकान है। दरवाजे पर खड़े खड़े व्यग्रता पूर्वक सोचने लगा, संसार में कितने सारे लोग, बगैर जनता की छत्र छाया के आगे नहीं बढ़ सकता कोई। एक जैसे मनुष्य, एक ही आवास, एक ही अंजाम, दावे को लेकर फर्क, जितने भाई उतने घर, जितनी दुल्हन उतने दूल्हे, किंतु नाम बिना याद रखे कैसे चलेगा। नाम तो याद रखना ही होगा, लगे उसके लिए जितनी ब्रह्मी घी, जितना टॉनिक, जितनी दवाइयां, नाम घूमती दुनिया के साथ, जनता के साथ एक ही बागडोर, उसे अटूट रखना होगा किसी भी उपाय से। लेकिन सोचते सोचते यदि चटकने लगती है, भाप बनकर उड़ने लगती है व्यग्र केंद्रिता, यही तो है शायद उन साहब का मकान। उत्सुक निगाहों से कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अशोक ने सोचा, नाम क्या है, क्या नाम है उनका। किसी भी तरह दोनों किताबें उनसे वसूल करनी ही है। याद है शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं ये लोग, किताबें लेकर भूल जाना ही इनका स्वभाव है। इनसे दब गए तो व्यक्तिगत संपत्ति बचाकर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खूब तेजी से सोचने के बाद अशोक भूल गया कि बड़े शहरों में किसी के मकान पर पहुंचकर उन्हें बुलाने पर नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक शब्द, बहिरा या रसोईया, उसके बाद खुले बदन पर लुंगी पहने हुए कोई बाबू स्वयं बहिरा या रसोईया के रूप में आकर पूछेगा, क्यों साहब, किसे ढूंढ रहे हैं। नेम प्लेट दिख रहा है, अंग्रेजी में लिखा है एसी महंती। अशोक अस्वस्थ भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए उस ओर देखता रहा, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, जीभ तक आकर लौट जाता है। एसी मनचंद्र मोहनचरण, मानो एकाएक शून्य में रोशनी चमकी। सही है, सही है। मार्कंड चरण यूरेका, दम्बे भरे गंभीर गले में अपनी पूरी आवाज समेटते हुए अशोक ने आवाज लगाई, मरकंड बाबू, ओ मरकंड बाबू, घर पर हैं? खिड़की से किसी महिला की सूरत दिखाई दी, वे आश्चर्य पूर्वक बाहर की ओर देखती रही, अंदर शायद किसी से कुछ कह रही थी। कोई बाहर आकर निकल आया, बगैर किसी औपचारिकता के कहने लगा, यहाँ कोई मरकंड बाबू नहीं रहते, आगे देखिए, क्या ये मरकंड बाबू का घर नहीं है। तुम क्या समझते हो, मैं मरकंड बाबू का घर नहीं पहचानता, अंदर जाकर बोले अशोक बाबू आए हैं। कौन मरकंड बाबू साहब, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ वे नहीं रहते, कह जो दिया, जाइए आगे जाकर पूछिए। आगे और कुछ न कहकर रास्ते पर जा रहे मछली वाले को उस व्यक्ति ने आवाज दी, ए मछली वाले, इधर आ, इधर आ। उसकी इस हरकत से अशोक खींच उठा, शहरी लड़का है, शहर के लोगों की बदमाशी अच्छी तरह समझता है अशोक। साइकिल पीठ से टिकाते हुए सीना पूरी तरह फुलाकर सामने की ओर देखकर बोला, ए क्या है, तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बातें करनी है? हाँ, तुम कौन हो जरा बताना। मैं इस घर का नौकर हूँ। कितनी तनख्वाह पाते हो? क्यों बाबू, मैं कितनी तनख्वाह पाता हूँ उससे किसी को क्या मतलब। मतलब है गवार नौकर रखने पर घर के मालिक का सब कुछ चला जाता है, बदमाश नौकर रखने से सर्वनाश होता है, सस्ता नौकर रखना अंत में महंगा पड़ता है आदमी को। इस घर की एक एक चीज की जानकारी है मुझे, जानते हो तुम। मजाक किसके साथ कर रहे हो, मुझे भी पढ़ाते हो कि ये घर मरकंड बाबू का नहीं है। जानते हो तुम्हारा मुनीम मेरा पुराना मित्र है, मेरा दोस्त है, बीच में कुछ दिनों तक ही यहाँ नहीं आ सका, वरना इस घर में बराबर मेरा आना जाना था। यहाँ खुले में न जाने कितनी बार उठा बैठा हूँ, जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या समझते हो तुम अपने को, मेरे ही साथ दिल लगी। मकान की खिड़की की ओर देखने पर उसे बातें सुनने की मन ही मन प्रेरणा मिली। अभी तक वहाँ वो चेहरा था, गुस्से में सानिध्य का परिचय देने के लिए मानो वो संकेत दे रहा हो, घर का नौकर चिढ़ाऊ बताओ, अभी दिखाऊ, अभी कहकर प्रत्याक्रमण करते ही उसी खिड़की की ओर से एक धीमी आवाज आई, भेगिया भेगिया सुन इधर। अंदर जाकर पलके झपकते ही बाहर लौटकर बोला, आपके मित्र मरकंड बाबू इस मकान में कब रहते थे, मालकिन पूछ रही है।
अपरिचित व्यक्ति के आगे मार्कल पूछ रही है। जड़ने में उसकी जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई अपने आत्मसम्मान के लिए। कोई भी हो बरकंड बाबू, उसका इसमें क्या जाता है? वही थे, आज भी यहाँ हैं, अशोक ने कहा। अभी 9 महीने पहले ही तो मुलाकात हुई थी उनसे इसी मकान में। खिड़की से पिच से पान का पीक बाहर आकर गिरा। इस बार चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दिया। अंदर से आवाज आई, भेगिया कह दे हम लोग इस मकान में पिछले 5 साल से हैं। यहाँ मरकंड बाबू कोई नहीं है, यहाँ माधव चंद्र महंती रहते हैं, नेम प्लेट में नाम लिखा है, कह दे। अशोक ने अब पल भर भी इंतजार नहीं किया, साइकिल पर बैठकर चल पड़ा। अब तक की धुंधली स्मृति में हठात सच का सूरज निकलना है। वाकई माधव बाबू ही हैं वे, एसी महंती, हर रोज के परिचित माधव बाबू। कितना मूर्ख है वो स्वयं। माधव को मरकंड खिड़की के उस पार वाला चेहरा दिख जाता है। मन ही मन शर्म आने लगती है, मानो वो चेहरा दूर धकेल रहा हो। हटो हटो, दूर हटो, दूर से ही दिख रहा है जैसे माधव बाबू स्वयं उससे मिलने आ रहे हैं। मुलाकात हो गई होती तो शायद दोनों किताबें मिल सकती थी। मित्रता की घनिष्ठता की वजह से वो मकान में घुस गया होता तो वो खिड़की जाने दो किताबें जल पलेती या जीवती। अपने घर की ओर कुछ दूर जाने के बाद पुनः खिड़की के पीछे वाले चेहरे की याद आई और उसी के साथ एक और चेहरा, कमली का। कमली पड़ोसी की लड़की बचपन से भाई कहकर बुलाती थी। कमली की शादी हो गई थी। इसके अलावा कमली की जाति अलग थी, वो एसी महंती की सहधर्मिणी नहीं हो सकती। लेकिन कितनी एक रूपता है जैसे सचमुच कमली हो। सोचते सोचते मन भर आता है। अतीत से फटक कर मुरझाए हुए सभी प्रश्न जैसे फिर से हरियाल कहकर अपनी जगह व्यवस्थित हो गए हूँ। महक उठती है चेतना हूबहू कमली ही। कोई हुए मन को खुद व खुद संतावना मिल रही है। गुण भूलिए नहीं जाते। अपनी चेतना के दर्पण में प्रतिबिंबित मार्मिक भावनाओं की छवि भुलाई नहीं भूलती। वैश्विक संबंध में भाटा आता है तो आने दो, जीवन जिया जा सकता है। एक शरीर कुछ भी हो, उसका नाम मनुष्य का शरीर है, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सब विधाता की सृष्टि है। उम्र के अनुपात में जीने का वही एक सा व्यवहार, वही सुख दुख की लहरें, लुका छिपी का खेल, उसी जीवन का जल घट घट में मन में है, सिर्फ पात्र अलग अलग है। दर्शन के तथ्य मन को आनंदित करते हैं, आँखों से अंत से दिख जाता है। उन्हीं आँखों से वो देखने लगा, वो स्वयं भी बन सकता था माधव बाबू। और खिड़की के उस तरफ हूबहू कमली, उसका विवाह अभी नहीं हुआ न हो। बैठक में एक बच्चा इधर उधर दौड़ा दौड़ी कर रहा था, वो हो सकता है उसका अतमस उसकी संतान नहीं हो सका न हो। नाम भूल जाने पर सभी चीजें समान हैं। सोचते सोचते मन भर आता है। दिन गुजर रहे हैं, वो उड़ते हुए चला जा रहा है। घर नहीं बसा, यौवन समाप्त होने से पहले ही विस्मरण उतर आया है। क्यों, क्या वो चिंगारी लगे मन की हूक भूलने के लिए प्रकृति का अंजन है? देखो वो आदमी जा रहा है, 30 रुपए उधार लिए उसने, आड़े समय में उधार ले गया था, उसके बाद सब कुछ भूल गया। अशोक ने सिर उठाकर देखा, नाम याद नहीं आ रहा। वो आदमी जल्दी जल्दी नजदीक की गली में घुस रहा है। अशोक ने इंतजार नहीं किया, साइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए ट्रिन ट्रिन बजाता हुआ उड़ा चला उसी के पीछे पीछे। पानी होती चट्टान, लग रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे भावुकता भी बढ़ रही है। पता नहीं भावुकता का उम्र के साथ कोई गहरा रिश्ता ही होगा। अगर कोई अनाथ बच्चे को गोदी में उठा लेता है तो उसका मन नाच उठता है। यदि कोई किसी गरीबों को खाना कपड़ा देकर उसके सिर पर हाथ फेर देता है तो मन रो पड़ता है। और यदि कोई किसी घोर मुसीबत और मजबूरी में घिरे अथवा किसी दयनीय की मदद कर देता है तब भी मन व्याकुल हो जाता है, आंखों से तृप तृप आंसू टपकने लगते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। भावुकता के कई अवसर तब भी आते थे। घर में बूढ़ी बुआ के इंतकाल के समय जब मैं घर में पहुंचा तब बुआ को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। घर में पहुंचते ही जहां क्रियाक्रम हेतु दिया रखा जाता है मैं सीधा वहीं पहुंचा। पिताजी दिए के पास बैठे थे। बुआ पिताजी से बड़ी थी, दोनों भाई बहनों की खूब बनती थी। 20-25 साल तो भाई ने बहन को अपने परिवार का हिस्सा बना के पास रखा। बहन की ससुराल में कोई नहीं बचा था। भाई ने बहन को पूरी इज्जत दी और उसकी सेवा भी खूब की। क्या मजाल कि कोई बुआ को कुछ कहे।
पर बुआ भी घर में सबकी जिंद जान थी। गांव में सारे परिवार बुआ से प्यार और इज्जत करते थे। बुआ त्यों उसूलों की पक्की थी। सारी उम्र सफेद वस्त्र पहने सादा खाना खाया और सादा ही जीवन बिताया। और तो और रसोई में किसी भाभी बहू अथवा किसी लड़की तक को लहसुन प्याज का तड़का तक लगाने की हिम्मत न हुई। वैसे यूं भी कभी इस घर में पहले से ही लहसुन प्याज लाने का रिवाज नहीं था। बुआ गांव के सभी ब्याह कार्यों में जाती थी, सभी से रिश्ते रखती, लेन देन के समय अपना बर्तन अलग लिखवाती। बुआ के पास अपने खर्चे योग्य पैसे रहते थे। मुझे याद नहीं कि बुआ ने कभी किसी से जेब खर्च भी मांगा हो। मैं जब नौकरी भी करने लगा, बुआ तब भी घर से आती, मैं बार बार जिद करके शगुन देती। घर से चलते वक्त हर बच्चे को कुछ न कुछ देना बुआ की ही संस्कृति थी। हमारी तरफ घर से चलते वक्त कुछ न कुछ सामर्थ्य अनुसार शगुन जरूर देते। ये हिमाचल की परंपरा है, बाकी जगह भी होगी। कमरे में पिताजी को अकेले गमगीन बैठे देखकर मैं नट हो गया। जिस कमरे में हम सब बुआ के पास बैठकर हंसते ठट्याए मारते थे, आज वही कमरा खाली पिंजरा हो गया था। एक खालीपन और मनहूसता पसरी थी वहां। पिताजी मुझे देखते और मैं उनको, पर तब मेरा मन नहीं पसीजा। पिताजी सोच रहे होंगे कि मैं भी धाड़ मार कर रोऊंगा, पर पता नहीं मेरे मन की सारी संवेदना ही सूख गई थी। मेरे मुंह और आंखों से न कोई शब्द फूटा और न कोई आंसू टपका। दुखी मन से मैं भी दिए के पास बैठ गया। ऐसा ही मेरे चाचा की मृत्यु के समय पर भी हुआ था। मैं इंतकाल के अगले दिन जब घर पहुंचा, तब कमरे में सभी संबंधी रिश्तेदारों से भरा हुआ था। मेरे पहुंचने पर चाची जोर जोर से रोने लगी, पर तब भी नहीं रोया। मेरा मन तब भी नहीं उबाला। ये चाचा जी रिश्ते में मेरे मासड़ भी थे, मेरी इनसे खूब बनती थी। मैं दसवीं करके अगली पढ़ाई के लिए 6 महीने तक इनके पास ही रहा था। इतना कहते कहते उसका थोड़ा गला भर आया। मैं समझ गया और बोला, ये सब वक्त वक्त की बातें हैं, समय की भी कई तस्वीरें हैं। समय बड़ा जानकार और बड़ा बलवान है। उसका नाम भगमल है। वो कभी मेरा विद्यार्थी भी रहा है। भगमल अच्छे स्वभाव का मिलनसार व्यक्ति है। अब वो गांव छोड़कर शहर में बस गया है। उसके पास खूब जायदाद है। उसका एक लड़का विदेश में भी है। खूब संतुष्ट और विनम्र, हंसी मजाक मिल बर्तन का पूरा सलीका है उसके पास। वो आज भी सर सर और गुरुजी करके बुलाता है। भगमल थोड़ा संभल कर बोलने लगा, एक बात बहुत दिनों से मेरे दिल में बैठी है। जब मैं अपनी माता को छोड़ घर से अपने बच्चों के पास विदेश चला गया था, उसने मेरी उत्सुकता देखी और आगे बोलना जारी रखा। सर, उस दिन मेरा जाना बहुत जरूरी था। मेरी USA की टिकट बुक थी। शाम से पूर्व मैं अपने भाइयों भाभियों बच्चों को मिलके पिताजी और अम्मा को मिलने उनके कमरे में गया। पिताजी वहीं बैठे थे। कुछ सालों से एक गंभीर बीमारी के कारण माताजी बिस्तर पर ही थी। कई दवाइयां की, कई डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, कई जगह शिमले चंडीगढ़ दिल्ली तक इलाज कराया, पर अम्मा को आराम नहीं आया। अम्मा दिन प्रतिदिन कमजोर ही होती चली गई। आज सभी को पता था कि मेरी टिकट बुक है, मुझे बच्चों के पास जाना है। मैंने पिताजी के पैर छुए, पिताजी गले मिले और कान में आहिस्ता से बोले, माँ तेरी की तबीयत आज भी बड़ी खराब है, यदि एक रात रुक सकता है तो रुक जा, आगे तेरी। पर यदि मैं उस दिन नहीं जाता तो वहां पर बच्चे परेशान होते। श्रीमती को मैं बोल चुका था कि इस दिन मैं हर हाल में पहुंच जाऊंगा। मैं पहले 2 बारी जाने का कार्यक्रम रद्द कर चुका था। मैंने बटुए से 1100 रुपये निकाले और पिताजी के हाथ में दिए। पिताजी कुछ नहीं बोले, उनको कभी हमारे पैसे की दरकार नहीं रही। पिताजी बोले, संभल के जाना, बच्चों को प्यार देना। मैंने अम्मा के चरण छुए, अम्मा तब बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई थी। तो ठीक है भाऊ, जा, वहां बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लाड़ी समेत
सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद देना। अम्मा ने आज न मुझे रुकने के लिए कहा और न ही बच्चों को जल्दी लाने के लिए ही कहा। वैसे अम्मा घर से आती बार अभी नहीं जाने की जिद करती थी। मैंने अम्मा के पैर छुए, अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर अचानक बोली, सुन 10 रुपए मुझे भी दे, कहीं ये न लगे कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने 10 रुपए अम्मा के हाथों में दिए। अम्मा उन रुपयों को माथे से लगाकर बोली, अब मैं चैन से सो सकूंगी। उस रोज में चला गया और उसी रात अम्मा भी। भगमल वाक्य पूरा करने से पहले ही उफन पड़ा। वो माल के एक किनारे पर सुबक सुबक के रोया। पक्की चट्टानी जमीन पानी पानी हो गई। पाप का फल। प्रिय मनुष्य यही सोचता है कि मैंने पाप तो किया नहीं लेकिन मुझे दंड मिल गया, या मेरा पाप तो बहुत छोटा था लेकिन मुझे दंड अधिक मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्वज्ञ और सर्व सर्वर्थ परमात्मा का ये विधान है कि पाप से अधिक दंड किसी को नहीं मिलता, और जो दंड उसे मिलता है वो पाप के अनुसार होता है। किसी गांव में भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर के सामने एक सुनार रहता था। सुनार के पास अक्सर सोना आता और वो उसके जेवर बनाकर बेच देता था। एक बार जेवर बनाने के लिए बहुत सारा सोना आया। सुनार के पास सोना होने की बात पहरेदारों को पता चल गई। पहरेदार ने रात को ही सुनार की हत्या कर दी। जब पहरेदार सुनार की हत्या करके सोने का बक्सा लेकर भाग रहा था तो भीम ने उसे देख लिया और पहरेदार को पकड़कर बोला, ये बक्सा लेकर कहां भाग रहे हो? इस पर पहरेदार ने भीम से कहा, चुप रहो, शोर मत करो, इस बक्से में जो कुछ भी है आधा आधा बांट लेंगे। भीम ने पहरेदार की बात मानी तो पहरेदार ने भीम से कहा, देख मेरी बात मान ले वरना पछताएगा। इतना कहकर पहरेदार ने बक्सा नीचे रखा और सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनकर दूसरे पहरेदार भी वहां पर आ गए और भीम को पकड़ लिया। भीम ने दूसरे पहरेदारों से बहुत कहा कि ये चोरी मैंने नहीं की, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पहरेदारों ने सुनार के घर में घुसकर देखा तो वहां सुनार की लाश पड़ी हुई थी। पहरेदारों ने लाश को अपने कब्जे में लेकर भीम को थाने भेज दिया। जब भीम पर मुकदमा चलाया गया तो उसे फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा सुनते ही भीम ने कहा, मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, भगवान के दरबार में भी न्याय नहीं है, मैं निर्दोष हूं तो भी मुझे फांसी की सजा हो गई और अपराधी बेदाग छूट गया। भीम के ये शब्द सुनकर न्यायाधीश का हृदय पिघल गया कि शायद ये निर्दोष हो, इसलिए न्यायाधीश ने दोबारा जांच करने की अनुमति दी। न्यायाधीश ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने मित्र के घर 2 सिपाहियों को भेजा। एक तो चारपाई पर लेट गया और खून से लथपथ चादर ओढ़ ली, जिससे सबको लगे कि चारपाई पर लाश पड़ी हुई है। दूसरा सिपाही भीम और पहरेदार को दिखाने के लिए बोला कि साहब मेरे भाई की हत्या हो गई है। तब न्यायाधीश ने पहरेदार और भीम को लाश उठाने के लिए अपने मित्र के घर भेज दिया। भीम और पहरेदार चारपाई को उठाकर ला रहे थे तब पहरेदार ने भीम से कहा, यदि तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो तुम्हें बहुत सारा सोना भी मिलता और फांसी की सजा भी नहीं होती। तब भीम ने कहा, मैंने तो सच ही बोला था, फांसी की सजा हो गई तो मैं क्या करूं, हत्या तूने की और सजा मुझे मिली, वास्तव में भगवान के यहाँ न्याय नहीं मिलता। चारपाई पर लेटा हुआ व्यक्ति भीम और पहरेदार की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही चारपाई को न्यायाधीश के सामने रखा गया तो चारपाई से आदमी उठकर बैठ गया और न्यायाधीश को सारी बातें सच सच बता दी। न्यायाधीश को पहरेदार और भीम के बीच में होने वाली बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। न्यायाधीश ने पहरेदार को बंदी बना लिया और भीम से बोला, इस मामले में तो तुम निर्दोष हो लेकिन इस जन्म में क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? भीम ने कहा, साहब एक आदमी मेरी पत्नी से छिप छिप कर मिलता था, एक दिन मैंने उसे देख लिया, क्रोध में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी में फेंक दिया, इस बात का किसी को पता नहीं चला। भीम की बातें सुनकर न्यायाधीश को बहुत आश्चर्य हुआ। न्यायाधीश ने संतोष की सांस लेकर कहा, अब तुम्हें उसी पाप का फल भोगना पड़ेगा, वैसे तुमने पहरेदार को पकड़वा कर अपने कर्तव्य का पालन किया है और तुम्हें जो दंड मिला है वो उसी हत्या का फल है,
मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, किंतु किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उसे उस हत्या के पाप का फल यहीं पर मिल गया और वो परलोक के भयंकर दंड से बच गया। इस लोक में जो दंड भोग लेता है तब उसको थोड़े में ही मुक्ति मिल जाती है और वो परलोक के भयंकर दंड से बच जाता है। मनुष्य से किए गए पाप का फल कब मिलेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है। जब पुराने पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। मनुष्य को पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में भोगे या पूर्व जन्म में। प्रत्येक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप के अनुसार ही दंड भोगना पड़ता है। बदल रहा है सब कुछ। हमारे पहुंचने के कुछ ही देर बाद छोटू कमरे में आ धमका। रजनी से कहने लगा, दीदी अब तो मैं आपको और जीजा जी को पहचान गया हूँ। घर वालों से आपके आने का पता तो चल गया, ये न बताते तो मैं अनुमान से पता लगा लेता। आखिर एक परिवार में जन्मी लड़कियों और लड़कों की शक्ल में कुछ तो समानता होती ही है। कंचन दीदी और आपकी शक्ल में बहुत कम अंतर है ना। फिर जीजा जी आपके साथ हैं तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। रजनी ने कहा, छोटू अब तुम बड़े हो गए हो, घर के बजाय तुम अगर कहीं बाहर मिलते तो मैं तुम्हें शायद न पहचानती। भाई अब तो भाभी आए, दिखाओगे नहीं क्या? ओ दीदी अभी आप लोग पहुंचे ही तो हो, पहले कुछ खाओ पियो फिर बाकी काम बाद में। आखिर तुम्हारे छोटे भाई की धाम है, इसमें कहीं किसी तरह की कंजूसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब की बार खाने पीने से लेकर कुछ भी लेन देन तक का इंतजाम सब हमारे हाथों में है। पिताजी को उनके पुराने पुश्तैनी कमरे में हुक्के के साथ बिठा दिया गया है। माताजी को बेहड़ आस पड़ोस और रिश्ते नातों की औरतों की आव भगत के लिए बैठाया गया है। दीदी अब सब कुछ तीसरी पीढ़ी के लोगों की मर्जी से हो रहा है। जीजाजी पी तो लेते हैं ना। छोटू यानी राजेंद्र के बेतकल्लुफ अंदाज ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। रजनी भी हंसती रही और उसकी बेबाकी की तारीफ करती रही। तभी कंचन का पति वहाँ आया। छोटू ने परिचय करवाया। पहले तो लगा कि बहुत गंभीर प्रकृति का है, परंतु थोड़ी ही देर में खुलकर बातें होने लगी। बहरहाल जब ये पता चला कि वो 5-7 गाड़ियों का मालिक है, पंजाब की सीमा के साथ अच्छी खासी सींचे जमीन और बगीचा है, तो समझ में आ गया कि बात मैं और जुबान में अकड़बा क्यों है। मूल पेड़ की बात तो एक जगह, बस मूल के कई पेड़ों की टहनियां संबंधी रिश्तों के बारे में जान लेना तक भी अपेक्षणीय होता है। मैं ये बात समझता हूँ, अतः किसी से रिश्ते नाते के नाम बात हो गई तो ठीक, यदि ना भी हो तो बहुत अच्छी, किसी का भी कुछ न बढ़ता न घटता। कुछ देर बाद रजनी ने दूसरे ताए चाचाओं के परिवारों से मिलाने के लिए चलने को कहा। दूसरे कमरे में पहुंचकर चाचा जी से जब रजनी ने पूछा कि भाई जी नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि वो सब परिवार आए थे, घर में काम होने से चले गए हैं, शाम को फिर आएंगे, परंतु रमेश के माता पिता और गणेश का परिवार विवाह में नहीं आया। रजनी ने कहा, चाचा जी ये तो आपका पारिवारिक मामला है, हमारे लिए तो सब समान है। 100 किलोमीटर दूर से तो कभी कभार ही आया जाता है। आप लोग आज लड़ेंगे कल फिर मिल जाएंगे, हम बेटियां धियों का इस या उस पक्ष से लेना देना ठीक नहीं, हम जरा रमेश भाई और गणेश भाई के परिवार से मिलाए। चंदू चाचा ने रजनी की राय पर सहमति दी। हम दोनों उनके कमरे में पहुंचे, उनका आंगन पार किया तो गणेश भाई के आंगन में पहुंच गए। गणेश भाई सामने तो नहीं थे, पर लक्ष्मी भाभी बरामदे में ही थी। रजनी ने आगे बढ़कर लक्ष्मी भाभी को आवेश के साथ अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के गले भर आए, गिले शिकवे प्रकट किए गए। कभी कोई पत्र नहीं लिखते, कभी ऊपर के घर में आते हैं, न कभी आने के बारे में बताते हैं, न जाने के। लक्ष्मी भाभी ने कहा, देई जी चलो अंदर कमरे में बातें करें। अभी वे बैठे ही थे कि गणेश भाई आ गए। बातचीत विवाह में शामिल न होने के कारणों पर केंद्रित हो गई। चंदू चाचा ने एक बार तो वो आम का बड़ा पेड़ कटवा दिया, तुमने भी तो उसे बड़ी होती तक कई बार देखा था, कितने मीठे और ढेर से आम लगते थे उसमें। आस पड़ोस और नाते रिश्ते वालों को बांट बांट कर भी आम खत्म नहीं होते थे। क्या नाम उसका कहावत है ना, बन बड़े तो गढ़ घटे, गढ़ बड़े तो बन घटे। हमारे ही परिवार कितने बढ़ गए, परिवार बड़े तो घरों के आगे पीछे ओर छोर पेड़ खत्म हो गए। जिनका भी परिवार बड़ा हो गया उसने ज्यादा जमीन हत्या ली, हर जगह
कौरवों पांडवों की महाभारत जारी है। चंदू चाचा के चार बेटे हैं, जवान हैं, सब नौकरी में हैं, सबके ब्याह हो गए। एक बेटी है खूब अमीर और कारोबारी की बीवी, खुद चाचा पेंशन भोगी हैं और अभी भी नौकरी करते हैं। इतना सब होने पर भी आम का पेड़ कटवा दिया जो बाट में हमारे हिस्से में था। देजी, बड़ा खून खराबा होने की नौबत आ गई थी। इन्होंने जब आम काटने का विरोध किया तो चाचा जी और उनके तीन लड़के डंडे लेकर इन्हें पीटने हमारे आंगन में आ गए। हमारे बेटे भी कम नहीं है, ये भी जो हाथ में आया उठाकर उनके मुकाबले के लिए खड़े हो गए। मैंने पता नहीं कितनी कसमें दे देकर इन्हें बार बार कमरे में धकेला। लड़ाई आखिर लड़ाई होती है, जुनून में आदमी क्या क्या कर बैठता है। अपने बच्चों से तो मोह होता ही है, पर नीनू छोटू व दूसरे भी तो हमारे बच्चों जैसे हैं। देवर तो रिश्ते में हैं, पर देजी जब ये लोग हुमर हुमर कर आने लगे और बोलने लगे, आज तो जान लेकर ही छोड़ेंगे, तभी झगड़ा खत्म होगा। और चाचा जी ने तो अपने बेटों को जैसे शिकार पर कुत्ते छोड़े जाते हैं, वैसे ही शाबाशी दे देकर अपने नकली दांतों को जबड़ों में दबा दबा कर उकसा रहे थे। अगर कोई आपके भाई और मैं भी अपने बच्चों को उत्तेजित करते रहते तो पक्की बात थी कि कोई एक आधा मर जाता, मरता ना भी तो सभी खूनों खून हो जाते। सो मैंने मन्नते कर कर इन लोगों के पांव पकड़कर एक बड़े अनिष्ट से सबको बचाया। भाभी की बात के साथ ही फुसफुस के अंदाज में बात करने वाले भाई ने कहा, रजनी हाथ पैर से लड़ना या लाठी डंडा उठाकर एक दूसरे का सिर फोड़ना बुरी बात है, हमारा ऐसा स्वभाव रहा ही नहीं। पिताजी जब तक रहे एक या दूसरे चाचा किसी दूसरे ने कभी पेड़ की एक टहनी तो तोड़ी नहीं, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो किसको पता था कि झगड़ा या मारपीट क्या होती है। शाबाश तेरी भाभी को, इस देवी ने तो मुझे भी ऐसे मौके पर बचा लिया। अब क्रोध दिमाग को ऐसे जकड़े होता है कि न कुछ सोचा जाता है न कुछ सूझता, स्वभाव में अदृश्य बदलाव आ जाता है। पर हमने सब्र कर लिया और इंसाफ हासिल करने के लिए मुकदमा कर दिया। चार पांच वर्ष कचहरी के चक्कर तो लगे, पर फैसला हमारे हक में हो गया। खिसियाट और जिल्लत के सिवा चंदू चाचा और उनके परिवार को कुछ न मिला। बस कुछ हुआ तो ये कि हमारे दोनों परिवारों के बीच चुप्पी पसर गई, मगर जिसके भीतर एक दूसरे पक्ष के प्रति बेहद क्रोध और गुस्सा भरा रहा। रजनी, शादी में इन्होंने ढंग से बुलाया ही नहीं। हाँ, छोटू बेशक अपने आप आया, कहा भाई जी मेरे विवाह में जरूर आओ, बड़ों के हट की तरफ ध्यान न दो। अपनी भाभी को भी उसने कहा, भाभी मैं तो परदेसी जैसा हूँ, घर में रहता तो लड़ने झगड़ने का डर जरूर रहता, आखिर हम भी तो अपने माँ बाप के बहकावे में आ जाते हैं ना। पर अब तो मैं साल में 2 महीने के लिए आता हूँ, साथी दोस्तों से मिलने जुलने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर लड़ाई कब कर सकता हूँ। छोटू की भूली और बेबाक बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, परंतु चाचा चाची ने तो टोका तक नहीं। चाचा तो अगर सामने पड़ जाए तो तवे की तरह स्याह हो जाते हैं, और अरे उसकी पत्नी लंबा सा घूंघट डाले रजनी मेरे पांव छू गई। चाची को देख माँ जैसी है, मगर पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। ममता नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, बस अपने ही बच्चों का मोह है। लड़ाई के दिन भी खड़ी होकर तमाशा देखती रही, मजाल है चूतक भी की हो, अपने नौमर बेटों को तनिक भी रोका हो। सो रजनी, हम नहीं शामिल हुए शादी में, मैं क्या कहूँ भाई जी, आपकी लड़ाई कोर्ट कचहरी तक जा पहुँची, इतना कुछ घट गया और दूसरी पैदा हो गई। हमारे बुजुर्ग लड़ते तो थे, मगर मारपीट और कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचते थे, एक दूसरे के अच्छे बुरे के समय आने जे कभी नहीं चूकते थे। आप लोगों की मर्जी है बाबा, हम तो बुलाता है कोई तो आ जाते हैं, बहाने से सबसे मिलने का मौका मिल जाता है। कुछ समय तक तो मायके में बिताए गए जमाने में लौट जाती हूँ, अतीत की यादों में सजोए रखना और उसको याद करने का अवसर मिलने पर दोबारा जीना बड़ा ही अच्छा लगता है। इसलिए भाई जी, हम तो सबसे मिलते हैं, सबके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। वो तो ठीक है रजनी, आप लोगों का कहना भी ठीक है, उसके मुताबिक चलना भी ठीक है, पर मुन्नी साथ रहने वाले लोगों में समय समय पर राग द्वेष गुस्सा नाराजगी सब चलते रहते हैं, अपने अपने अस्तित्व के लिए अपने अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। लक्ष्मी भाभी और गणेश भाई से बातचीत करते और चाय वगैरह पीने में रजनी को घंटे से अधिक समय लग गया। घरों के आगे पीछे सांझ की छांव भरने लगी। रजनी ने कहा, तो होली बातचीत, अब हम चाचा और चाची और रमेश व उसके बच्चों से भी मिल लेते हैं, फिर अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, विवाह वाले नाराज होंगे। गणेश भाई के द्वार से बाहर निकलते ही दूसरे चाचा का आंगन था। रजनी और मैं बातें करते करते आंगन पर गए। बारिश बारीक फुहार के रूप में
पड़ रही थी। घरों से कुछ हटकर आम के अन्य पेड़ पत्तों की उड़नी लिए खड़े थे। आसमान में बादल थे परंतु पश्चिमी कोना खाली था। सूरज अस्त नहीं हुआ था परंतु पेड़ों के झुरमुट के कारण उसके होने का पता भी नहीं चल रहा था। बारिश से भीगे पेड़ों के पत्तों पर कहीं कहीं चमक थी। रजनी का चाचा अपने घर के बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। चाची दूसरी ओर बिन्ने पर बैठी हुई थी। उनको रजनी व दामाद के आने का अनुमान हो गया था। रजनी के चाचा चाची के गले मिलने और मुझ द्वारा उनके पांव छूने के बाद फिर बातें शुरू हो गई। रमेश के बारे में पता चला कि वो किसी प्रशिक्षण में गया है। उसकी पत्नी लंबा सा घूंघट डाले रजनी और मेरे पांव छू गई। रसम अदायगी के अंदाज में ही रजनी मेरे साथ अपने तायो चाचा के परिवारों के उन लोगों के साथ मिल ली जो घर पर मिल गए थे। इन परिवारों के बड़ों और उनकी अगली पीढ़ी के लोगों की समझ में जो अंतर उनकी आर्थिक स्थिति बदलने, सरकारी सेवाओं में चले जाने, व्यापारिक कार्यों में लग जाने से आ गया और आता रहा है, वो उनके बातचीत के अंदाज और हाव भाव से प्रतिबिंबित हो रहा था। रजनी ने उसे अत्यंत दुखी ढंग से साझा किया था। उसका कारण था मेरा उसका पति हो जाना, मेरा सरकारी गैर सरकारी नौकरी से बाहर रह जाना, मेरा एक ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाना जिसकी निश्चित अथवा अनिश्चित आर्थिक आय की संभावना ही नहीं थी। ऐसे सामाजिक रुतबे और हैसियत वाले आदमी की पत्नी होने से रजनी को मेरी अनुपस्थिति में बहुत अपमान सहना पड़ता। रिश्ते नाते शगुन के नाम पर जो लेन देन होता है दोनों पक्षों के लिए हैसियत और रुतबे की पैमाइश का पैमाना होता है। रजनी को मैंने उसके भाई भाभी भतीजों और उनकी बहुओं के साथ खाने बिठा दिया। मैंने दूल्हा और उसके एक या दो भाइयों के साथ आजकल की भाषा में उनके आयोजन की खुशी में शिरकत कर ली। हैसियत रुतबे और स्तर के हालातों को लेकर वहां किसी भी जुबा पर कुछ न आया। सबने दो दो तीन तीन पैग लिए फिर धाम के पकवान खाए। ये नए दौर का चलन है, सब कुछ भूल भुला कर नींद की गोद में जा समाए। भाव विभोर। शोभा नजरों से बहुत दूर थी, फिर भी मेरे दिल के गर्भगार में उसे अपनी दृढ़ जगह बनाई थी। उसके सिवा मैंने और किसी को मेरे करीब आने नहीं दिया। बहुत बार मन को लुभाने वाले क्षण मेरे जीवन में आ चुके थे लेकिन अंदरूनी शक्ति ने उन्हें टालने के लिए मेरी बहुत सहायता की। इतने सालों से मन की अंधेरी गुफा में तेल के समान जलती मधुर स्मृति से मेरी उदासी में मुझे थोड़ा सा प्रकाश नजर आ रहा था। गोवा वापसी के बारे में अंतिम चिट्ठी मैंने उसे लिख डाली। उस चिट्ठी को लिखे 20 दिन हुए होंगे और पुर्तगाल से लूरियो जहाज से मुझे निकले अब 15 दिन तो बीते होंगे। इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, क्यों? मैं इन्हीं विचारों में चक्कर खा रहा था। लॉरेंस मार्केस से IBI की कंपला 26 मई की सुबह मुरगांव के बंदरगाह में प्रवेश कर रही थी। इतने लंबे अंतराल के बाद मैं गोवा का परिवर्तित रूप निहार रहा था। उस इंद्रनील आसमान का सुंदर दृश्य तथा हरी भरी वसुधा को देखकर मुझे मात्र प्रसन्नता ही नहीं हुई बल्कि स्वर्ग लोक का सादृश्य आभास हुआ। लेकिन इस सुंदरता को भुला देने वाली, दिल में हलचल पैदा करने वाली एक स्मृति मेरे मन में पूर्ण रूप से फैलने का प्रयास कर रही थी। आखिर उसी की जीत हुई, शोभा की ही स्मृति, और किसकी हो सकती थी? मेरे माता पिता नहीं थे। गोवा आने का प्रमुख कारण था शोभा, नहीं तो मैं पुर्तगाल में ही रहने वाला था। सुंदर और अच्छे हुनर की लड़कियों से मेरी पहचान हो गई थी और वे मुझ पर फिदा भी थी, लेकिन मैंने किसी की ओर कोई झुकाव नहीं दर्शाया। फिर भी कभी कभी इस प्रकार का माहौल उपस्थित हो जाता था। आज से 15 साल पहले मैं गोवा छोड़कर गया था। इतने साल इंतजार कर आखिर ऊब कर उसने शादी तो नहीं की। पिछले 2 सालों से उसकी चिट्ठी नहीं आई थी, इसलिए क्या यही कारण तो नहीं है मैं दुविधाग्रस्त हो गया? लेकिन नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने स्वयं को समझाया। जहाज बंदरगाह के नजदीक आ गया और मैंने बंदरगाह पर खड़े खड़े ही इर्द गिर्द नजर घुमाई। वहां मेरी शोभा थी, हाँ वही थी, नजर गड़ाकर बंदरगाह से मेरी राह देख रही थी। शोभा, हम दोनों की नजरें मिल जाने के पश्चात न जाने किस अनजान भावना से दिल भर आया। उसकी आंखों में चमक थी, उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। पहले तो उसे जरूर देखा था लेकिन आज वो और सुंदर लग रही थी। सच कहा जाए तो दिखने में वो इतनी खूबसूरत नहीं थी
जितना उसका मधुर और प्रिय स्वभाव उसकी सुंदरता में वृद्धि कर रहा था। ये स्वभाव ही असली सुंदरता है, जिसकी जितनी स्तुति की जाए उतनी कम है। और मैं उसकी इसी अंदरूनी सुंदरता को देख रहा था, जो उसके मुखमंडल पर बिखर गई थी। प्रेमवश उत्कंठा से मैंने उसे बाहों में भर लिया। सालों से अत्यंत नियंत्रित रखे हुए मन की उत्कंठा अब पूरी हो रही थी। उसके आलिंगन में अवरुद्ध प्यार का बहाव जैसे उमड़ पड़ा। मैं प्रसन्नता को महसूस कर रहा था कि शोभा ने मेरा इंतजार किया, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ मन हल्का करना था। उसकी बाहों से अलग होकर मैंने पूछा, शोभा ये क्या तुमने शादी नहीं की? शोभा ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। एडवर्ड क्या कहा तुमने? क्या कहा? मेरे सिवा किसी और से भी शादी कर सकती थी? कभी नहीं, मैंने हरदम तुम्हारी राह देखी। आशा की किरण नहीं थी, फिर भी किसी पर मन नहीं आ रहा था, और आएगा भी कैसे? वो तो किसी एक पर ही आ सकता है। मेरा दिल तो तुम्हारे पास था। तुम सच कह रही हो? मैंने आश्चर्य से और दूसरी ओर आनंदित होकर पूछा। मेरा दिल नहीं मानता है, तुम एक जवान लड़की हो, मुझ जैसे कैदी की खातिर, जिसे देश निष्कासन की सजा हो चुकी हो, और वो भी इतने सालों के लिए। खुद मुझे जल्दी रिहाई मिलने की आशा नहीं थी। शोभा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने मेरी ओर प्यार भरी नजरों से देखा और कुछ कहने का प्रयत्न किया। शादी करने के लिए मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। अच्छे घरानों से रिश्ते आए, लेकिन मैं इनकार करती रही। तब जाकर उन्हें संदेह हुआ कि मैं तुम्हें चाहती हूँगी। और फिर क्या उन्होंने? मैंने धैर्य से लेकिन कुछ हिचकिचाकर पूछा। शोभा ने कहा, वे कहते हैं एडवर्ड को लगे आग। क्या वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर हमारे घर को भी आग लगाने आया था, और तुम भी उसके साथ नाच रंग खेलना चाहती हो? तो सुन, अब वो नहीं आने वाला, वो वहीं रुक गया है। वे मेरा उपहास करते थे, क्या वही सबसे अच्छा है? अब यह सब कुछ भूल जाओ, मैंने कहा। चलो अब हम घर चलेंगे, अब मेरा कोई घर नहीं है, शोभा ने निराश होकर कहा। ये कहते वक्त उसकी चाहत भरी आंखों से आंसू भर आए। मेरे भाइयों ने शादी की और मैं उस घर से, उस खींचा खींच से छुटकारा पाने के लिए मौसी के घर में रहती हूँ। जैसा भी हो, चलो हम चलते हैं, मेरे घर चलते हैं, ये सब भूल जाओ, मैंने उसे समझाया। गर्म पसीना आ रहा था। मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आया था सिवाय शोभा के, जो मशहूर हो चुके थे। उनके लिए स्वागत, भाषण, सभा, लेकिन औरों के लिए कुछ नहीं। उनके त्याग को भूल गए थे। इस देश में मुझे किसी ने याद नहीं रखा था। इन उल्टे सीधे विचारों को मन से निकालकर मैंने पिछली मधुर स्मृतियों को याद करने का प्रयास किया। वे दिन भी क्या दिन थे। मैं जवान था, इश्कोल नॉर्मला का कोर्स करके मैं प्रोफेसर बनकर मशेल में पढ़ा रहा था। मेरी उम्र होगी कोई 22-23 साल। मैं किराए के कमरे में रहता था। वहां एक दिन कुएं पर पानी भरने वाली शोभा को मैंने देखा। मेरे कलेजे में तूफान मच गया। उसकी नशीली आंखों में मेरा मन सराबोर हो चुका था। उसके गठीले शरीर पर मेरी नजर टिकी हुई थी। उस दिन से रास्ते में आते जाते मेरी उससे भेंट हो जाती और हम दोनों लज्जा का अनुभव करते थे। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन व्यवहार से बहुत समझदार लगती थी। कुछ दिन बीतने के बाद मेरी और उसकी दोस्ती और घनिष्ठ हो गई। मेरा ध्यान सिर्फ उस पर केंद्रित हो चुका था। दिन रात मैं शोभा की मूर्ति पूजा करने में मगन था, और शोभा का भी यही हाल था। जहां मैं ठहरा था वहां वो पानी भरने के लिए आती, खाना पहुंचाती, सिर्फ मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाती। स्कूल की जब छुट्टी रहती थी तब मैं काड़कोड़ में अपने घर को आता था। फिर भी घर में मेरा मन नहीं लगता था। सप्ताह में एक बार तो शोभा से मिले, इसलिए मैं मशेल में जाया करता था। उस वक्त शोभा के उतावले स्वागत के बारे में क्या कहूँ। इस प्रकार हमारे वे दिन मधुर प्रतीत हो रहे थे। मैं तो स्वर्ग का आनंद ले रहा था, लेकिन एक दिन जैसे चाबुक की फटकार से मैं आनंदवन से जाग उठा। मुझे कल्पना नहीं थी कि मेरी जन्मभूमि परकीय सत्ता के अधीन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 18 जून 1946 को गोवा में आकर स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति प्रज्वलित कर गए। उस ज्योति प्रकाश ने मुझमें देशभक्ति को जगाया, मुझमें नई शक्ति का ऊर्जान हुआ। जिंदगी की ओर देखने के लिए मुझे नई दृष्टि प्राप्त हुई थी। ये खबर मैंने अपनी परम प्रिय शोभा को बताई। शोभा बहुत मायूस हो गई। परिणाम के बारे में उसे पता था, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना अर्थात पुर्तगाली सत्ता से द्रोह करना। उसकी सजा भी बड़ी कठोर हो सकती थी। उस वक्त उसने मुझसे कहा था
एडवर्थ, इस तूफान में मुझे अकेली छोड़कर तुम जाना चाहते हो, मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं। उसका व्याकुल चेहरा देखकर मैं और धैर्य नहीं बांध सका था। शोभा के भविष्य के बारे में मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने उसे बाहों में लिया और सांत्वना देने का प्रयत्न किया। ये सब याद करते करते हम फेरी बोट पर पहुंचे। ज्वारी की लहरें खलबली मचा रही थी, यातायात चल रहा था, फेरी बोट में लोगों की भीड़ थी। मेरी ओर देखकर और मेरा चिंताग्रस्त चेहरा भांपकर शोभा मुझसे प्रश्न कर रही थी, लेकिन इन विचारों में मैं इतना डूब चुका था कि उसे प्रत्युत्तर करते वक्त मैं भ्रमित हो रहा था। शोभा ने मुझे सतर्क करते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? तेरी चिंताओं की मैं भागीदारी नहीं कर सकती। मैंने तेरे सुख दुख में साझेदारी करने का प्रयत्न किया और उसमें मैं कुछ हद तक सफल रही, ऐसा मैं समझती हूँ। सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली। ये थी मेरी शोभा और मैं उसी से छिपाकर उन बीती घटनाओं का हिसाब कर रहा था। मैंने उसे विश्वास दिलाया और उसके साथ स्मृति पत्रों को टटोलने लगा। इस प्यार रूपी सागर में हमारी नौका जब छोड़ी थी तब तूफान मच गया था जिसने मुझे शोभा से अलग किया था। भारतीय झंडा लहराकर पुर्तगाल के विरोध में कार्य किया, ऐसा आरोप लगाकर मुझे एक रात पुलिस ने नींद से जगाकर हिरासत में लिया था। चमड़ी निकालने तक मुझे पीटा था। कुछ समय के लिए मुझे वापस घर भेजा गया। अब शोभा से मेरी फिर भेंट हो रही थी, लेकिन खुफिया पुलिस की नजर हर पल मुझ पर रहा करती थी। कुछ अरसे के बाद मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया। ज्यादा समय के लिए मेरा कार्य फिरंगी अधिकारी वर्ग सहन नहीं कर पाया, मुझे कैदी बनाया और पुर्तगाल की पैनिश जेल में भेजने का आदेश निकाला गया। तब शोभा की परवाह किए बिना मैंने प्यार मोह को भूलकर उस कटु विश्वरूपी कुएं में छलांग लगाई। राष्ट्रभक्ति से भेंट हुई थी, प्यार इसके आगे कुछ नहीं था। शोभा के साथ मैंने अन्याय किया, लेकिन मेरे लिए और कोई पर्याय नहीं था। मुझे पैनिश भेजा गया। तब शोभा मुझे नियमित रूप से चिट्ठी लिखती थी, उसके चेतना भरे शब्द प्यार के अमर काव्य का सृजन करते और मेरी निराश आत्मा नवजीवन प्राप्त कर लेती। वहां मुझे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, 15 साल जेलखाने में। उधर उस वक्त उतना कोहराम नहीं मचा हुआ था जितना कि भारत में। कहीं बाहर भीतर घूम सकते थे। एक पुर्तगाली साथी के साथ घूमकर नृत्य में निपुण हो चुका था। मेरे ऊपर उनको गुस्सा द्वेष वगैरह नहीं था। अलग नजरिए से देखा जाए तो वे लोग अत्यंत अनुशासन प्रिय तथा दयालु थे। मात्र भारत में विलीन होने की चाह के पीछे हमारी क्या भूमिका है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। हमारी भलाई के लिए गोवा का अलग होना जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। मेरा मत उनके विचारों से मेल नहीं खा रहा था। शोभा अपनी प्यार भरी चिट्ठियों से मुझे सूचना दे रही थी, मेरे रिहा होने की कोई आशा नहीं थी। तब मैंने उसे खत लिखकर कहीं और शादी करने के लिए अपनी ओर से मुक्त किया, क्योंकि उस पर शादी करने के लिए बहुत दबाव आ रहे थे। लेकिन शोभा अपना निर्णय लेकर अड़िग बैठी थी कि मेरे साथ ही शादी करेगी। उस शादी की खातिर गड्ढे में गिरने को तैयारी उसने दर्शाई थी। तब इस लड़की का इतना बड़ा निराधार देखकर मैं दंग रह गया। चाहो और कितनी हलचल मची होगी, और इसका त्याग और पूछा जाए तो एकदम सच। मैंने जेल से रिहा होने की खबर देते हुए उसे चिट्ठी लिखी और तब उस वक्त उसकी संतोष दर्शाती हुई एक चिट्ठी मुझे मिली, लेकिन जाने से पहले 2 महीना पूर्व उसकी कुछ खबर नहीं मिली और मैं हैरान हो गया। मेरे माता पिता के गुजर जाने की खबर उसी ने मुझे पहले दी थी। वो कभी कभी उनकी पूछताछ किया करती थी, लेकिन चंद दुश्मनों के कारण अब के वो चिट्ठी नहीं लिख रही थी, जिन्होंने मेरे बारे में अविश्वास का विष रूपी संदेह उसके मन में पैदा किया कि मैं एक फिरंगी स्त्री के साथ घूमता हूँ। और भी झूठी खबरें उस तक पहुँचाई थी। यहाँ तक कि अब गोवा वापस आते वक्त उस फिरंगी स्त्री को लेकर मैं लौट रहा हूँ। अब शोभा के संदेह सब गायब हो चुके थे। हम फिर से मिल गए थे। इतने सालों के बाद मार्शेल में जाने के बदले मैंने कहानकोण की तरफ जाने के लिए टैक्सी वाले को आदेश दिया। हम हमारे घर जा रहे थे। आने वाली जिंदगी हमारे सम्मुख थी। हमारा भविष्य हमारे हाथ में था और जैसा हम चाहते थे वैसा उसे हम बना सकते थे। और मेरी शोभा जैसे पंक्षी अपना साथी ढूंढने के बाद नीड़ के निर्माण की तैयारी करती है, उसी तरह शोभा भी कल्पना में तैयारी कर रही थी। मेरी बाहों में सिसकियां भर रही थी। मिलन की प्यास संजोकर रखे हुए शोभा ने मुझे जकड़ लिया और इतने सालों तक रुके हुए आंसुओं को मुक्त बहने दिया। मेहनत की कमाई। किसी गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनसुख था। अपने पुरखों से मिली सारी भूमि
इसी कारण वो गवा चुका था। कुछ न करने के आलस्य के कारण ही उसका पुश्तैनी मकान भी बिक गया। उसने गांव से बाहर एक झोंपड़ी डाल ली तथा बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। मनसुख को मेहनत मजदूरी करने में आलस्य आता था, इसलिए वो दिन भर घर में ही पड़ा रहता था तथा रात होने पर दूसरों के खेतों में जाकर फल एवं सब्जियां तोड़ता और उन्हें बेचकर आटा चावल ले आता और उसकी पत्नी परिवार के लिए खाना पकाती। मनसुख ने अपने बेटे श्यामू का दाखिला भी किसी स्कूल में नहीं करवाया। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसके साथ मिलकर चोरी किया करे, जिससे घर परिवार का गुजारा और अच्छी तरह से हो सके। अपने बेटे श्यामू को लेकर एक दिन चांदनी रात में वो खेतों में चोरी करने के लिए गया। चने के खेत के पास पहुंचकर मनसुख ने कहा, बेटे मैं अभी खेत से कुछ सामान लाता हूँ, यदि कोई रखवाला आता हुआ दिखाई पड़े तो कुत्ते की बोली बोल देना ताकि मैं जल्दी से भाग सकूं। अभी मनसुख खेत के अंदर घुसकर चने की कुछ डालियां तोड़ भी न पाया था कि उसके बेटे श्यामू ने कुत्ते की बोली में उसे पुकारा। मनसुख तुरंत खेत से बाहर भाग आया। उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। मनसुख ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, जब कोई भी नहीं था खेत के आसपास, तब तूने कुत्ते की बोली बोलकर मुझे क्यों बुलाया? श्यामू ने शांत भाव से कहा, पिताजी भगवान तो देख रहे हैं। मनसुख ने कहा, तुझे कैसे पता चला कि भगवान देख रहे हैं? श्यामू ने कहा, पिताजी कल मैं मंदिर गया था, वहां पंडित जी ने बताया था कि भगवान सब कुछ देखता है, अतः हमेशा भगवान से डरना चाहिए, चोरी चकारी कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मेहनत की कमाई खानी चाहिए। मनसुख को लगा कि जैसे उसका बेटा सत्य कह रहा है, इसलिए उसने प्रतिज्ञा की कि वो कभी चोरी नहीं करेगा तथा अपनी मेहनत की कमाई पर ही संतोष करेगा। इस प्रकार श्यामू ने अपने पिता मनसुख की काम चोरी की आदत सदा के लिए छुड़ा दी। मैं बांझ नहीं हूं। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजा खोलकर देखा तो पुलिस। मैं घबरा गई। भले बड़े ख्याल मन में आने लगे, बच्चे स्कूल गए थे और ये काम पर। मेरा दिल कांप उठा, हे भगवान किसी को कुछ हुआ तो नहीं? पर मैं कुछ बोल न पाई, मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। मुंह खुला छोड़े मैं बस देखती रही। मेरी घबराहट को उस पुलिस इंस्पेक्टर ने भांप लिया। उसने मुझसे पूछा, आप? हाँ, मैंने कहा। आप इंदु को जानती हैं? हाँ। उसे क्या हुआ? वो अस्पताल में है। क्या हुआ उसे? उसने खुद को जला लिया है, अस्पताल में है, अंतिम घड़ियां गिन रही है और बार बार आप ही का नाम ले रही है, इसलिए अगर आप आ जाती तो अच्छा होता। आप बैठिए, मैं अभी आई। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, यहीं बाहर जीप में ठीक हूँ, अगर आप जरा जल्दी आ जाएं तो बेहतर होगा, उसने कहा और जूतों की खड़खड़ आवाज करते हुए वो बाहर चला गया। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। इंदु ने खुद को जलाया या किसी और ने उसे जला डाला? मैंने जल्दी जल्दी साड़ी लपेट ली और हाथ में चाबी लेकर बाहर आ गए। हमारे दरवाजे पर पुलिस को देखकर सब लोगों के दरवाजे फटाफट खुल गए थे। अंदर से आंखें संदेह से दिख रही थी। मैंने अपनी पड़ोसी से कहा, मेरी सहेली इंदु, वही जो हमारे यहाँ आती है, उसे उसके घर वालों ने जला दिया है। वो मुझे बहुत याद कर रही है और यही बताने के लिए पुलिस आई है। स्कूल से बच्चे आए तो उन्हें होटल से कुछ खाने के लिए लाकर दे दीजिएगा। उनका जरा ख्याल रखना तथा घर का दरवाजा खुलवा देने के बाद चाबी अपने पास ही रख लेना। ये घर आए तो उन्हें बता देना कि ये सब हो गया है। इससे शंका के बादल छट गए। उनकी जगह करुणा ने ले ली। पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे बच्चों को मैं संभाल लूंगी, उनकी चिंता तुम बिल्कुल मत करना, अब जल्दी जाओ। मैं जाकर जीप में बैठ गई। उस स्थिति में भी मेरे पीछे बिल्डिंग की औरतों के बीच मनचलने वाली खबर पर मुझे मन ही मन फांसी आ गई। इंदु ने खुद को जला लिया या उसे जलाया गया है? मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। उसने बयान दिया है कि स्टोव जला रही थी, आंचल ने आग पकड़ ली और वो जल गई। कितना जल गई है, आज की रात काट पाएगी भी या नहीं, कह नहीं सकता, इंस्पेक्टर चिंतित होकर बोल रहा था। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, वो एकदम गुस्सा होकर बोल रहा था, मानो उसी का कोई करीबी जल गया था। मैं खास आपको लेने आया हूँ क्योंकि वो आपको बहुत याद कर रही है, इसका मतलब है आपसे उसका दिल का रिश्ता है, हो सकता है आपकी बात सुनकर वो हमें सच्चाई बता दे
और अगर ऐसा होता है तो हम उसकी सास और पति को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। मैंने कहा, आप जैसे इंसानियत से भरे, अन्याय होने पर आग बबूला हो उठने वाले पुलिस अधिकारी अगर रहें तो इस तरह का हादसा कभी हो ही नहीं सकेगा, है ना? उसने कहा और वो चुप हो गया। इंदु मेरे बचपन की सहेली गोरी सी, गोल मटोल सी, लंबे पर पतले बाल उसे देखते ही नजर में भर जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम भयभीत। हम उसे डरपोक खरगोश बुलाते थे। एक था खरगोश ऐसा डरपोक, पत्ता भी गिरे तो डरे। उसके इस तरह डरपोक होने के पीछे का कारण था, इंदु का जन्म हुआ और प्रस्तुत अवस्था में ही माँ चल बसी, वो बच गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली और इंदु मामा के घर में ही रह गई। पहले नानी के, फिर मामी के ताने सुनते सुनते वो बड़ी हो गई। सभी से डरते डरते दिन बिता रही थी। कोई ऊंची आवाज में बात करता तो वो एकदम डर जाती। कोई उस पर गुस्सा होता तो एकदम ढीली पड़ जाती। कभी कभी उसका मजाक उड़ाने के लिए हम उसे एकटक देखते रहते, वो एकदम नर्वस हो जाती। बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी। जरा सी बात पर आंखों में पानी लाने वाली शायद दाई ने उसकी आंखों को सेखा ही नहीं था। मैट्रिक के बाद वो घर में ही रही, सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। फिर मामा जिस लड़के का रिश्ता लाया था उसने उसी से शादी की। शादी के बाद मुंबई में आ गई। मामा ने भी शायद ये बला दूर रहे तो अच्छा ही है, ये सोचते हुए जानबूझकर मुंबई का लड़का देखा हो। पता नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती वैसी ही थी। आषाढ़ में नव बंधुओं के मायके जाने की प्रथा के लिए वो घर आई थी, पर वो बिल्कुल पहले जैसी ही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। नई नई शादी हुई लड़कियों के साथ जब उनकी सहेलियां हंसी मजाक करती हैं तब उनके चेहरे का रंग कितना बदलता रहता है, लेकिन वो तो एकदम निर्विकार लगती। उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपनी कॉलेज की जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई कि अगले 3 सालों में वो एक बार भी मायके नहीं आई। इस बात की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरी शादी तय हो गई, लड़का मुंबई का रहने वाला है। ये पता चलते ही मन अपने आप मई में रहने वाले रिश्तेदारों सहेलियों के बारे में सोचने लगी। तब ख्याल आया, अरे इंदु भी तो मुंबई में है। मुझे बहुत बड़ा सहारा महसूस हुआ। मुंबई जाने के बाद अपने पति को साथ लेकर मैं खासकर उसके घर गई। उसका घर अच्छा था, घर में उसकी सास थी, ननंद की शादी हो गई थी। उसका पति स्वभाव से शांत दिखा। मन में कहा, चलो अच्छा हुआ इंदु का पति वैसा ही है जैसा उसे मिलना चाहिए था। हमारा चाय नाश्ता हो गया। इंदु को मैंने अपना पता दे दिया और उसे हमारे घर आने का न्योता देकर हम घर वापस आ गए। एक दिन अचानक इंदु हमारे घर आ गई। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे भी अपना सुख, अपनी बातें, घर छोड़कर दूर आने के कारण हुए बिछो का दुख किसी के साथ बांटना ही था। मैं अपनी ही धुन में उससे बातें करती रही। वो ऊ करती हुई सुन रही थी। क्या बताऊं और क्या न बताऊं, ऐसा मुझे हो गया था। और इंदु किसी शून्य में नजर लगाए बैठी हुई है। इस बात की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। और जब इस ओर मेरा ध्यान गया तब मुझे एकदम गुनाहगार जैसा लगने लगा। वैसे देखे तो मैंने उसकी कोई खबर ही नहीं ली थी। उसका हाल चाल पूछे बिना बस ऐसे ही बड़बड़ाती रह गई थी। इंदु इंदु तू सुन रही है ना? हाँ बाबा, तू बता, रुकना मत। नहीं, अब तू बता कैसी है तू? तेरी शादी को तो 4 साल हो गए, अभी तक तुम्हारे यहाँ बच्चा कैसे नहीं हुआ? कहीं पंचवर्षीय योजना तो नहीं है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या, बच्चा होने के लिए पहले पति पत्नी के बीच संबंध तो होने चाहिए कि नहीं? मतलब तुम्हारा सिर, ये कहकर वो मुझ पर भड़क उठी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। मेरे अपनेपन की आंच पाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे थपथपाया और जी भर कर रोने दिया। बाद में उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मुझे तो धक्का ही लगा। इंदु शादी करके मुंबई आ गई थी। उसकी आंखों में सुखी संसार का सपना था। मुंबई जैसे शहर में एक बड़ी जगह उन्हें मिल गई थी। उसकी सास माँ की तरह उसे प्यार करती, पति भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन रात होते ही सास उसके और पति के बीच खुद का बिस्तर लगा देती और सो जाती। क्यों? उसे एक ज्योतिषी ने बताया था कि इस साल अगर गर्भ रह गया तो जन्म लेने वाला बच्चा घर परिवार का सत्यानाश कर देगा। अगर ऐसा था तो उसने बेटे की शादी ही क्यों की उस साल? ज्योतिषी ने उसे साल शादी करने के लिए कहा था, पर यह भी कहा था कि बच्चा होने न दिया जाए। लेकिन दूसरे और बहुत से उपाय थे ना, कोई फायदा नहीं था। ज्योतिषी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार सब कुछ होना चाहिए था।
पति मुझ पर गुस्सा करता, मुझे भला बुरा कहता, पर अपनी माँ से कभी कुछ न कहता। ऐसे ही एक साल बीत गया और तू चुप रही, और क्या करती? फिर क्या? फिर साल खत्म होते ही ज्योतिषी के कहने पर वो हमें साथ रहने देने लगी। अब तुझे कैसे बताऊं, लेकिन इतना सच है कि एक साल तक मेरी सास ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। फिर डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा कि दोनों की जांच करनी पड़ेगी। फिर व्रत, उपवास, किसी की बताई हुई दवाइयां, 2-3 बार क्यूरेटिंग, वो ये सब मुझे करने के लिए कहती थी और मैं करती थी। लेकिन क्यों? उसे अच्छा लगे इसलिए क्योंकि यहाँ रहने के लिए मेरे पास घर था, प्यार करने वाली सास थी, 2 बार का खाना मिलता था, मामा बुलाने आए तो मुझे भेजती नहीं थी, जन्म लेते ही माँ को खा गई, अब हमें खाए ऐसे ताने सुनने पड़ते। बस एक ही बात थी, बच्चा नहीं हुआ था। और 2 साल गुजरते ही सास का रवैया बदलने लगा, बांझ बांझ कहकर वो मुझे ताने देने लगी। पति को देखकर मैं चुप रह जाती, वो मुझे कुछ भी नहीं कहता था, उसे अपनी माँ का कहना ही सच लगने लगा। उसे भी लगने लगा कि पुरुष भी कभी दोषी हो सकता है भला? कभी नहीं, दोष तो हमेशा स्त्रियों में ही होता है और उसे इस तरह हो ही होना ही चाहिए। डॉक्टर बकवास कर रहा है, अब वो मुझे भांज भांज कहकर बुलाने लगा। दूसरों के सामने भी ये कहने में उसे शर्म नहीं आती, उल्टे सबके सामने पत्नी को भांज कहते ही जब मेरा चेहरा उतर जाता तब उसे अपने पौरुष पर गर्व महसूस होता। मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी मैं ये सब सहन कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ छोड़ अगर कहीं जाने की सोचूं भी तो माँ नहीं है, पिता होकर भी न होने के बराबर भाई बहन नहीं है, अपने पैरों पर खड़ी होकर जिंदगी गुजारने की सोचूं तो उतनी हिम्मत नहीं है, जान देकर जिंदगी खत्म करने का साहस मुझ में नहीं है। जान देने गई और मर गई तो ठीक है, बचकर अपाहिज बन गई तो मेरा हाल पूछने कुत्ता भी पास नहीं फटकेगा। इतना कहकर वो रो पड़ी, बहुत रोई, दिल खोल कर रोई। अपने अंदर अब तक जो दुख दबा कर रखा था उससे उसका दम घुटने लगा था। अब उसकी सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी करने का निश्चय किया, अब उसका मन जरा हल्का हो गया। मैंने उससे कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारे पति को मैं समझाती हूँ, तुम्हारी सास को कानो कान खबर नहीं होगी, हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले चलेंगे। आजकल तो विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कितने ही सारे उपाय आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगले साल बच्चा होने में उसकी मदद करना तो दूर ही रहा, मैं खुद अपनी प्रसूति के लिए गोवा चली गई। वो साल खाली चला गया, मुझे बेटी हुई और उसे लेकर मैं घर आ गई। इंदु को खबर होते ही वो आ गई, उसे बच्चों से बहुत प्यार था, मेरी बेटी को वही संभालती, उसे लाड़ प्यार करती, मेरी बेटी भी उसे अच्छी तरह पहचानती। मेरी दूसरी प्रसूति इंदु ने ही संभाली, ये कहूँ तो ज्यादती न होगी, वो सुबह अपने घर से काम निपटाती और फिर हमारे घर चली आती और शाम को वापस चली जाती। इंदु की सास मुझसे कहती, अरे ये तो बांझ है, बांझ इसके पास अपने बच्चों को क्यों छोड़ती हो, उन्हें कुछ भी हो सकता है। मैं कहती, किस बात के आधार पर आप उसे बांझ कह रही हैं? कुछ औरतों को जरा देर से ही बच्चे हो जाते हैं, उसके भी होंगे, और अगर नहीं भी हो तो ठीक है, कुछ भी हो, आखिर वो मेरी सहेली है, मेरे बच्चों की मौसी, कहते हैं ना माँ मरे और मौसी जिंदा रहे, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन दिनों इंदु बदल गई थी, काफी खुश रहती थी, ज्यादातर बन संवर कर रहती, पर अपने ही भीतर खोई सी। इतना खुश मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा भी, क्यों क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है बाबा, बताऊंगी फिर कभी। फिर कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे दरवाजे पर खड़ी होने न दोगी। बस भी करो, कुछ भी कह लेती हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वो आती, बच्चों के साथ खेलती और चली जाती, अपनी ही धुन में रहती। जब नहीं आती तब बच्चे उससे नाराज हो जाते, उसे खुश देखकर ही मैं खुश थी, इसलिए उसके पीछे पड़कर इस बार मैं कुछ पूछूं ऐसा नहीं लगा। और अब देखें तो ये कहानी, बच्चों को सब कैसे बताऊंगी? मेरे बच्चों को उससे काफी लगाव था, अगर उससे कुछ हो गया तो। इतने में हम अस्पताल पहुंच गए, मैं जल्दी जल्दी इंदु के पास चली गई। वो पूरी तरह चल गई थी, सिर्फ चेहरा ही सही सलामत था। जब जलन का दर्द असहनीय हो जाता तब वो चीख पड़ती, रोती, लेकिन मुझे देखते ही मुस्कुरा उठी। आ गई तू, आ, ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसके हाथ की चमड़ी मेरे हाथ से चिपक गई, मेरा शरीर सिहर उठा और एकदम मैं रो पड़ी। नास पीटी कहीं की, ऐसा कौन सा भूत तुझ पर सवार हो गया जो तूने खुद को चला डाला? तुझे मरना ही था तो मुझे कह देती,
मैं तुझे अपने हाथों से ट्रेन के नीचे धकेल देती और एक झटके में ही तू मर जाती। ये सोच तुझे देख तो लेती, इस तरह पल पल मरते हुए तू अपनी मौत से हमें क्यों मार रही है। पगली कहीं की, अब इंदु मुझे समझा रही थी, मैंने खुद को नहीं जलाया, तो फिर माँ और बेटे ने मिलकर मुझे जलाया। सच कहती हो तो फिर पुलिस से तूने झूठ क्यों कहा, सच्चाई पुलिस को क्यों नहीं बताई, लेकिन तुझे उन्होंने जला ही क्यों, तूने क्या गुनाह किया था। बच्चा नहीं हो सका, बस यही ना? नहीं, उससे भी बड़ा गुनाह था। कैसा गुनाह? माँ और बेटा बांझ बांझ कहकर मुझे चिढ़ाते थे। इसी बीच मेरी सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी करने का निश्चय किया। मुझे इस बात का पता लग गया। मैंने जाकर लड़की के घर वालों को सब कुछ बता दिया, दोष मुझमें नहीं उसमें है। तब वे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने उन्हें सच्चाई बता दी और वो रिश्ता टूट गया। अब मैं जरा सतर्क हो गई थी, क्योंकि अब वे दोनों मुझे बताए बिना चुपचाप रिश्ता देखकर शादी करने की तैयारी में लगे हुए थे। कुछ तो करना चाहिए था, पर क्या करूं? ये समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मेरी जान पहचान का एक आदमी था, वो हमेशा मुझसे कहता था, इस नर्क में क्यों रहती हो, वहां से बाहर निकलो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ देता हूँ। उसने तुझे ऐसा कहा, अगर तू घर छोड़कर चली आती तो क्या वो तुझसे शादी कर लेता? कैसे करता? मतलब वो शादीशुदा था या उसके बच्चे भी थे? फिर हम करीब आ गए। स्वर्ग सुख का अनुभव तब मैंने किया। और तुझसे सच कहूं, चोरी छुपे किए गए प्यार का मजा ही कुछ और होता है। जलन असहनीय होने के कारण एक तरफ वो रो रही थी और दूसरी तरफ हंसते हंसते मुझे सब बता रही थी। मैंने कहा, बस अब तू और कुछ मत कह, अब मैं आखिरी बार तुझसे बात कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ उसे सुन ले, मुझे रोकना मत। मेरे भोगे हुए सुख के सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। जानती हो, मैं तुम्हारे घर आती, तुम्हारे बच्चों में रम जाती, थोड़ा थोड़ा मात्र मैंने तुम्हारे घर में ही भोग लिया। पत्नी बनपति के घर ठाट से रही, और पुरुष का सुख मेरा प्रेमी था जिसने सब कुछ दे दिया। मेरी सास जानती थी कि मैं तुम्हारे घर आती रहती हूँ, तुम्हारे यहाँ मेरे आने से उसे कोई एतराज न था। इन दिनों मैं तुम्हारे घर जाने का बहाना करकर उससे मिलने जाती थी, उससे मिलकर फिर मैं तुम्हारे घर पहुंचती और तुम्हारे यहाँ से अपने घर चली जाती। एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि वो भी खुश होगा, पर नहीं, वो डर गया, कहने लगा डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने नहीं माना। उसके बाद उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। अब मुझे भी उसकी जरूरत नहीं थी, मुझे तो केवल माँ बनना था। अब मुझे बांझ कहकर कोई नहीं चिढ़ा सकता था। रोज की तरह जब सास ने मुझे बांझ कहा, तब मैंने कहा, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। वे मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये सच है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे मुझसे उस आदमी का नाम पूछने लगे, पर मैंने नहीं बताया। तब उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने मुझ पर पेट्रोल डालकर मुझे जला दिया और फिर यहाँ लाकर फेंक दिया। तो फिर तू अभी पुलिस को जो सच है वो बता दे, उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे। नहीं रे, वे जमाने को धोखे में रख सकते हैं, पर खुद को कैसे धोखा देंगे। उन्होंने जमाने से कहा कि स्टोव जलाते समय मैं जल गई, पर क्या वे जानते नहीं कि खुद उन्होंने ही मुझे जलाया है। उनका मन ही उन्हें कचोटता रहेगा। जानती हो, मैं बांझ रही हूँ, मैं माँ बनने वाली थी, 3 महीने हुए थे मुझे, मुझे तुझसे मिलना था, तुझे मेरे सुख के बारे में बताना था, इसलिए मेरी जान अटकी हुई थी। अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब तू सबको बता ना कि मैं बांझ नहीं थी, मैं माँ बनने वाली थी, पर नसीब ने धोखा दे दिया, एक्सीडेंट हुआ और मर गई, सबको बताना मैं बांझ नहीं थी। ये कह हंसते हंसते उसने आखिरी सांस ले ली। अब वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगा कि मरकर एक तरह से वो आजाद हो गई है। उसकी वो झटपटाट, उसका वो चीखना, उसका वो हंसना, उसका वो भयानक दिखना, उसका वो बोलना, जलन सहन करते हुए भी उसके चेहरे पर छाई हुई माँ बनने की खुशी, मेरे लिए ये सब सहनशीलता के परे था। मैं घर जाने के लिए बाहर आ गई। सुबह से जो कुछ हुआ, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसके बारे में सोचकर मन सुन्न सा हो गया। मुझे कहाँ जाना है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। नीचे सुबह मुझे लेकर आने वाला इंस्पेक्टर था। उसने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे जबरदस्ती जैसे खींच कर ले जाते हुए जीप में बैठा दिया। कुछ कहने करने से पहले ही उसने जीप स्टार्ट की और सीधे एक होटल के सामने लाकर खड़ी कर दी और जीप में बैठे बैठे ही कॉफी और सैंडविच मंगा लिए। मैंने गुस्से में पूछा, ये क्या है, पता भी है कि कितने बज गए हैं? नहीं,
रात के 11:30 सुबह से आपके पेट में क्या गया है, उसने पूछा। और अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे बड़े जोर की भूख लग गई है और प्यास भी। सुबह 8 बजे मैंने 1 कप चाय और 1 रोटी खाई थी, उसके बाद पेट में कुछ भी नहीं गया था, पानी तक नहीं। मैं पेट को जैसे भूल ही गई थी। उसने जो कॉफी मंगाई वो मैंने पी ली और जब सैंडविच खा रही थी तब उसने जीभ फिर से स्टार्ट की। मैं सोचने लगी, मैं भूख प्यास भूल गई थी, बच्चों को भूल गई थी और पति को भी। बच्चे क्या कर रहे हैं भगवान जाने। मैंने आधी अपने आप से और आधी उसकी बात करते हुए कहा, उनकी फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके पति को फोन करके सब बता दिया। वे जल्दी से छुट्टी लेकर घर चले गए और अब बच्चों के साथ हैं। हर 1-2 घंटे में मैं उन्हें ये खबर फोन से देता रहा हूँ और अब उन्हीं के कहने पर आपको घर छोड़ने जा रहा हूँ। उसने जो बताया उसमें से बच्चे पिता के साथ हैं, इतनी ही मेरी समझ में आया। फिर से मेरा दिमाग इंदु के आसपास घूमने लगा। बेचारी इंदु, छूट गई बेचारी। आप जानते हैं हम उसे डरपोक खरगोश बुलाते थे, पर वही डरपोक खरगोश परिस्थिति के चलते शेरनी बन गई। इंदु इतनी आगे बढ़ जाएगी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन आखिर तक उसने अपना प्रेमी कौन है ये नहीं बताया। आमतौर पर वो मुझसे कुछ भी छुपाकर नहीं रखती थी, सब कुछ बताती थी, फिर भी उसने यही बात क्यों नहीं बताई। इतनी पराई हो गई मैं उसके लिए। कौन होगा उसका प्रेमी? क्या इसकी मौत का उसे पता चल गया? क्या करता होगा वो? उस बेचारे पर भी मुझे तरस आने लगा। अपना दुख वो किसे बताता और किस मुंह से कहता? चोर की माँ दिल ही दिल में रोती है, वैसे ही वो भी अंदर ही अंदर रोता होगा। क्या उसे दुख हुआ होगा या बिना किसी झंझट के छूट गया ये सोचकर खुश रहा होगा। इंदु ने मुझसे यही बात क्यों छुपाई? वैसे तो सब कुछ मुझे बताती थी, मैं जानती हूँ। क्या ये कि वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाती थी? अपना राज वो आपको कल बताने वाली थी क्योंकि कल आपका जन्मदिन था। पर ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं भी कितनी पागल हूँ। इसने मेरे पति को ऑफिस में फोन किया, फिर अपने घर फोन किया, मुझे काफी पसंद है इसलिए कॉफी मंगाई, चाय नहीं दी, मतलब वो सब जानता है। उसे ये सब कैसे पता चला? मतलब इंदु ने, अब सब साफ साफ समझ में आने लगा। मैंने कहा, मतलब उसने सिर हिलाया, जोर से ब्रेक दबाकर जीप रोक दी और स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर सुबह सुबह कर रोने लगा। और अब क्या करूं? ये समझ में न आने से मैं पागलों की तरह उसे देखती ही रह गई। वेलकम टू कारवार। स्टैंड से गाड़ी निकाली, उसी समय विदा लेने वाला एक ममता भरा हाथ हिलने लगा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी और उस हाथ की ताकत कम होने लगी। एक पल में गाड़ी मुड़ी, बस स्टैंड नजरों से ओझल हो गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला, आंखें पोंछी और वापस जेब में ठूंस दिया, फिर खिड़की से दूर दूर देखने लगा। संभल कर जाना बेटे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, पहुंचने पर चिट्ठी भेजना मत भूलना। गाड़ी छूटते वक्त माँ के भारी दिल से बाहर निकले शब्द मेरे हृदय में धस गए थे, चिपक गए थे। बारी बारी से वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मेरा दिल झकझोर रहे थे। गाड़ी अब तेज दौड़ने लगी थी, वो ऐसे दौड़ रही थी मानो उसने हवा के साथ होड़ लगाई हो। गांव के बाद गांव पीछे छूट रहे थे, कभी पहाड़ों का चक्कर काटते हुए तो कभी जंगल रौंदते हुए। प्रकृति का दुलार नजरों में समाते हुए वो आगे आगे जा रही थी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकालकर देखा, प्रकृति में मानो दसों हाथों से बिखरे हुए कोतूहल को देखकर मैं फूला न समाया। झरने, नदियां, सागर, मैदान, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल फल, कितना विस्मयकारी था सब कुछ। उसमें मैं पूरी तरह खो गया। एक्सक्यूज मी, एक कोमल आवाज मेरे कानों में गूंजी और मैं हड़बड़ाया। मेरी समझ में आया कि बगल में बैठी हुई लड़की मुझे कुछ बताना चाह रही थी। मैंने उसकी ओर देखा, लड़की युवा थी, होगी 23-24 की, शायद उससे भी कम उम्र की। मन को लुभाने वाले उसके फैशनेबल कद को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। उसने बालों को बॉब कट किया था, मूलतः गोरी त्वचा जरा फीकी पीली पड़ी थी, फिर भी नजरों को अच्छी लग रही थी। होठ चोंच की तरह रंगे थे, धनुष की तरह तराशी भौंहें और दोनों भूरी आंखें नागिन की याद दिला रही थी। नाक जरा दबी थी, लेकिन कुल मिलाकर उसका गोरा चेहरा बहुत कुछ बता रहा था। उसका यौवन तो उफन कर
बह रहा था। कितना पागल हूं मैं, यवन से भरी पूरी लड़की मुझसे सटकर बैठी है, उसकी गर्माहट लेने के बजाय मैं अगल बगल झांक रहा हूँ। सचमुच पागल हूँ मैं, एक मीठा विचार मुझे थपकी मारकर चला गया। मैंने सोचा ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं हो सकी और उस दिशा में अधिक प्रयास भी मैंने कभी नहीं किया था। ऐसे भी नहीं था कि मेरे मन में दिल में भावनाओं का अकाल पड़ा हो। जवानी से लदी हुई गदराई और तराशी हुई लड़कियों मेरे मन में जगह पाती थी, उनकी महक भरी नजदीकें मुझे अच्छी लगती थी, पर मेरा स्वभाव ही संकोचनशील था। पीछे पीछे रहने वाला किसी पर कूदकर कैसे गिर जाता मुझे पता ही न था। अपने दोस्त के साथ घूमती फिरती खिलखिलाने वाली थुलथुल लड़कियां देखकर मैं मन में जलता था, विचलित होता था, फिर भीतर ही भीतर मैं अपनी भावनाएं अपने आवेग जलाता था और धीरे धीरे ठंडी राख बन जाता था। मैं भला अपना काम भला कहकर जी लेता था। क्या मैं जरा खिड़की के पास बैठूं? एक मन को लुभाने वाली आवाज और आंखों में समा लेने वाली निगाह मुझे घायल कर गई। ओ श्योर, बैठो बैठो। मैं उठा। थैंक यू, उसने खिड़की के बगल में सरक कर कहा। मैं उसकी जगह पर बैठ गया। कुछ देर अखंड चुप्पी, बाद में धीरे धीरे बादलों की ओर से चमकने वाले तारों की तरह हमने एक दूसरे की ओर देखा। वो हल्के से मुस्कुराई, फिर से खाली चुप्पी। जरा पैर बाजू में रखा हुए, मुझे जरा सूटकेस खोलना है, मेरी तरफ मधुरता से देखकर उसने पूछा। श्योर श्योर, कहते हुए मैंने अपना पैर एक तरफ रखा। उसने खर की आवाज के साथ सीट के नीचे से अपना सूटकेस बाहर निकाला, पर्स में से चाबी निकाली और सूटकेस खोला, उसमें से एक छोटी किताब बाहर निकाली। थैंक यू कहकर उसने किताब खोली। इट्स ऑल राइट, मुंह ही मुंह मैं जैसे शब्द चबाते हुए मैं बुदबुदाया। क्या नाम है किताब का? लाइफ फॉर एंजॉयमेंट। ये शब्द मानो मैंने बार बार मुंह में खोले और निकल दिए। मुझे एहसास हुआ सचमुच जिंदगी मजा करने के लिए होती है। मेरी जिंदगी कभी मजे में गुजरी ही नहीं थी। एक कड़वा विचार मेरे सिर में चुलबुलाया। बचपन में पिता का साया सिर पर से हट जाने के कारण खेतों खलियानों में खून पसीना एक करने से मुझे छुटकारा नहीं मिला था। माँ बहन सहित मैंने खेतों में कड़ी मेहनत की है, गाय बछड़ों के पीछे चरवाहा बनकर जंगल रौंदे और फिर भी पढ़ाई पूरी की। बहन के हाथों में मेहंदी सजाने के लिए मैंने जो कष्ट भोगे वो मैं ही जानता हूँ। ताऊ मामा की मदद लेनी पड़ी थी, उनका पैसा सूद समेत वापस करने का वचन देना पड़ा था। और तो और उम्र के 24 वर्ष बीत जाने पर भी मुझे कोई रोजगार नहीं मिला था। गांव में ही कहीं क्लर्की करने के इरादे से मैं कम भटका नहीं था। मार मार कर हाथ पैर चलाए पर सब रेत में फेंका हुआ पानी साबित हुआ। अंत में पूना में चाचा के यहाँ जाने के इरादे से निकल पड़ा था। ऐसी कड़ी मेहनत से दग्ध जिंदगी भी मजा कहाँ से होगा? क्या इस लड़की की जिंदगी मजे में गुजरी है? एक बेमतलब सवाल ऐसे ही मेरे दिमाग में उमड़ कर चला गया। मैंने उसकी ओर निगाह फेरी, वो किताब में सिर झुकाकर ऐसे ही पन्ने फटफट नचा रही थी। क्या लिखा हुआ इस किताब में? जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये बताया गया होगा। Can I have that book? मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। श्योर, उसने किताब मेरे हाथों में दे दी। मैंने किताब खोली और उस पर निगाह फेरी और मेरे दिल की धड़कन वहीं रुकी। मैं ठंडा पड़ गया, जैसे भीग गया, दंग रह गया। सेक्स जीवन पर आधारित किताब ये लड़की यूं खुलेआम पढ़ती है। बाप रे, बहुत आगे निकली हुई है ये। ऐसी किताबें चोरी छुपे पढ़ने की भी मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई और ये सीधे सीधे, और मैं इसके सामने बिल्कुल बुजदिल हूँ। एक विचार मुझे चुप्पी काट गया। इस तरह की किताब तुम पढ़ती हो? मेरे मुंह से अपने आप एक प्रश्न निकला, अनजाने में ही। पढ़ने के लिए ही तो होती है, झूठ तो नहीं होता उनमें। हर एक को जिंदगी का समग्रता से अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास हुआ है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरी आंखों को उसकी निगाहें पल भर के लिए आर पार बीत गई। उस हमलावार निगाह से मैं उलझन में पड़ गया और मानो मुरझा गया। इतने में गाड़ी मोड़ लेते हुए दाई तरफ होली। पल भर मेरा शारीरिक संतुलन बिगड़ गया और आंधी में जिस तरह कोई केले का पौधा उखड़ कर गिर जाता है, उसी तरह मैं उस पर लुढ़क गया। सॉरी, हाँ, डोंट वरी, गाड़ी में ऐसा होता है।
तुमने जानबूझकर तो नहीं किया, और जानबूझकर किया हो तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, कौन सी बड़ी बात है उसमें। ये सुनकर मैं बहचक्का हो गया, जैसे किसी ने जीभ पकड़ रखी हो। उसी तरह शब्दहीन निःशब्द, लगता है ये उस तरह की लड़की है, मैंने मन ही मन में कहा, और एक शहद भरी सुखद लहर मेरे शरीर में उमड़ने लगी। मैंने सोचा पूना पहुंचने तक इसकी गर्मी अब कहां जा रही होगी। मेरा विचार चक्र वहीं रुका। दूसरे ही पल मैंने उससे पूछा, कहां जा रही हो तुम? पूना। और तुम? मैं भी पूना ही। ओ हाउ वंडरफुल, यानी एक बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी मुझे और तुम्हें भी। नहीं, ऐसा कहकर वो ऐसे हंसी जैसे कोई नदी खलबलाती हुई बहती है। उसका वो हंसना मुझे गुदगुदा रहा था, फिर भी मैं दिल से हंस पड़ा। बहुत खूब हंसती हो तुम, जैसे मंगोरे की कलियां खिली हो। पूरी जिंदगी में पहली बार मैं एक लड़की पर प्रशंसा के फूल बिखेर रहा था। थैंक यू कहकर उसने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे वो मेरा शरीर अपनी प्यास भरी नजरों से पीना चाहती हो। तुम पूना में रहते हो? नहीं, चाचा के यहाँ जा रहा हूँ नसीब तोल कर देखने के लिए, बेरोजगार हूँ मैं, उन्होंने ही बुलाया है कहीं काम पर लगा देने के लिए। बीकॉम किया है मैंने, कारवार में बहुत प्रयास किए पर नहीं, बात बनी नहीं। गाड़ी अंकोला स्टैंड पर रुकी, 10 मिनट गाड़ी रुकेगी। कंडक्टर ने सभी यात्रियों से कहा, चलो चले हम कुछ लें। ऐसा कहकर वो नीचे उतरी, उसके पीछे मैं भी उतरा। बस के एक स्टॉल पर पहुंच गए। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चलेगा या कुछ और? चलेगा, उसने ऑर्डर दिया और पर्स खोला। मैं देता हूँ, मैंने कहा। ना ना, ऑर्डर मैंने दिया है, पैसे मैं ही दूंगी। उसने पैसे दिए, ड्रिंक्स खत्म करके हम गाड़ी में चढ़े और अपनी जगह पर बैठ गए। अब हमारे बीच एक दोस्ती की जड़ें जम रही थी। गाड़ी चल पड़ी, खिड़की से अंदर आने वाली ठंडी हवा अब हमें छूकर आंख मिचोली खिलने लगी थी, वैसे ही जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका के गालों को धीरे धीरे छूता है। अरबेल घाट शुरू होने पर गाड़ी की गति धीमी हो गई, टेढ़े मेढ़े मुड़ते हुए वो आगे सरकने लगी। मैंने खिड़की से ऐसे ही बाहर नजर फेरी, दूर दूर तक फैली हुई प्रकृति की संपदा मुझे लुभा रही थी, लेकिन घने जंगल में तपस्या करने वाले ऋषि की तरह दिखने वाला एक पहाड़ मेरा ध्यान खींच रहा था। अपनी तपस्या भूलकर किसी भी पल वो प्रकृति में पूरी तरह डूब जाएगा, ऐसा मुझे पल भर लगा। ठीक 1 बजे गाड़ी यालापुर पहुंची, यहाँ गाड़ी खाने के लिए रुकेगी, कंडक्टर ने बताया। यात्री जल्दी जल्दी उतर गए, एक होटल की तरफ जाने लगे। हम भी उतर कर होटल में आए। खाना मामूली ही था, पैसे मैं दूंगा। हाँ, मैंने कहा ही था, झटके से झपट कर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने नहीं दूंगी, मैं ही दूंगी, चाहो तो मेरा आग्रह समझो। पैसा चुकता कर हम दोनों गाड़ी में आकर बैठे। गाड़ी स्टैंड से निकल पड़ी, पहिए तेजी से घूमने लगे। गाड़ी हलिहाल पहुंची और चौंकावा आवाज करते हुए वहां रुकी। गाड़ी पंचर, किसी ने कहा। अब पहिया बदलने में बहुत देर लगेगी, और किसी ने कहा, और वो नीचे उतर गया। उसके बाद और 7-8 लोग उतरे, यहाँ वहाँ बिखर गए। कुछ लोग गाड़ी में ही मानो चिपक कर बैठे रहे। हम भी उतरेंगे, चलो चलो कहीं पास में जाकर बैठे। वो देखो वहाँ उस पत्थर पर जाकर बैठे, एक आड़े तिरछे पत्थर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। दोनों नीचे उतर गए। मैं जरा जाकर आता हूँ, उंगली से इशारा करके मैंने कहा, तो वो मुस्कुरा पड़ी। वो उस पत्थर पर जाकर बैठ गई और मैं रास्ते के बगल में फैली झाड़ियों के पीछे चला गया। हमारी इतनी दोस्ती हुई पर एक दूसरे के नाम हम नहीं जानते, पता है, मैंने लौट आने पर कहा। हाँ, उसने आंखें फैलाकर कहा, मेरा नाम महेश सावन और मेरा मृणाल चौधरी। फिर हम जोर से हंस पड़े, हमारे नाम मैच हो रहे हैं। मैंने मृणा को देखा, उसकी बातों में एक अनाम सूचना खिलखिलाती हुई मुझे नजर आ रही थी। बैठो, खड़े क्यों हो? वो एक और खिसकी उसकी बगल में मैं बैठ गया। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। वो क्या सोच रही होगी भगवान जाने, लेकिन मेरे मन में सागर उमड़ रहा था। तुम्हारा हाथ देखूं? उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, उल्टा सीधा किया। तुम ज्योतिषी पढ़ना जानती हो? ज्योतिषी नहीं, तुम्हारे हाथ की मजबूती देख रही हूँ मैं, कसरत करते थे। ऐसा कहकर उसने मेरा हाथ धीरे से दबाया और मुझे देखा। मैं मन मन में चुलबुलाया, मेरा बदन भी तपने लगा था। मेरी जिंदगी ही एक कसरत है। मृणाल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो।
मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया, लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम कौन हो, क्या करती हो, कुछ नहीं बताया। मेरा नाम तुम्हें पता है, एक छोटी कंपनी में टाइपिस्ट कम क्लर्क का काम करती हूँ। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश की हूँ। मेरे पिताजी फौज में बड़े ओहदे पर हैं। कुछ साल पहले हम गोवा में थे, मेरा जन्म गोवा में हुआ। फिलहाल हम बेंगलुरु में रहते हैं। फिर तुम कारवार कैसे पहुंच गई? मैं टूर पर आई थी। हर साल बिना नागा मैं छुट्टी लेकर टूर पर जाती हूँ। नए नए स्थल देखना, नए दोस्त बनाना, ये मेरा शौक है। कुंवारी होने के कारण मुझ पर गृहस्थी का बंधन नहीं है। और सुनते हो, बताओ, किसी भी प्रकार की रोक टोक के बिना मुक्त जिंदगी जीना मुझे बहुत पसंद है और मैं ऐसे ही जीती हूँ। मेरी राय में इंसान पर कोई बंधन नहीं होने चाहिए। सच मुझे भी ऐसा लगता है। चलो गाड़ी में बैठते हैं। हम लगता है टायर बदल दिया गया है। यात्री गाड़ी में चढ़ने लगे हैं। हम गाड़ी में अपनी सीटों के पास आ गए। इफ यू डोंट माइंड, अब मैं बैठता हूँ खिड़की के पास। मैंने उसकी नजरों से नजरें मिलाकर कहा। मेरी नजर भी पैनी होने लगी थी। मैं खिड़की के पास बैठ गया। गाड़ी दौड़ने लगी थी। वो देखो कहकर खिड़की से बाहर मैं उसको क्या कुछ दिखाने लगा था। बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो भी झुककर अपने बदन का बोझ मुझ पर डालकर बाहर देखने लगी। उसके स्तनों का स्पर्श मुझे अलग ही सुख दे रहा था, मेरे शरीर को खिला रहा था, रोआ रोआ खड़ा कर रहा था, दिल की धड़कने बढ़ा रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझे सचमुच गर्माहट देगी। मैंने धीरे धीरे मिर्ला के पैरों में अपना बाया पैर घिसा। वो भी चुप नहीं रही, उसने भी वही करना शुरू किया। हमारा ये घिसना, पैर को चलना बहुत देर तक चला। अब हम दोनों एक दूसरे से सटकर बैठते थे। लोग छिपकर एक दूसरे को छू रहे थे। यूं स्पर्श सुख का समारोह मना रहे थे। गाड़ी की यात्रियों से अब हमें नफरत होने लगी थी। वहां दूर दूर तक फैली प्रकृति की सुंदरता की अब हमें कुछ भी परवाह नहीं थी। फिर भी ऐसे ही हमने बाहर देखा। आसमान ने पर्वत को पूरी तरह गले लगाया था। मैं कोल्हापुर उतरूंगी, बीच में मृणा ने मुझे बताया। हैं, तुम तो कह रही थी कि तुम पूना जा रही हो। कल, आज नहीं। तुम्हें पता है मैं टूर पर हूँ, पहले कोल्हापुर बाद में पूना। तुम भी उतरो ना, दोनों साथ जाएंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, पूरी तरह अनमना सा हो गया था। मेरा मन एक मृणा की ओर खिंच रहा था, वो बीच में उतरेगी ये सोचकर मैं कुछ विचलित सा हो गया। खाने पर बैठे आदमी के सामने से भरी थाली खाने से पहले ही खींच ली जाए, वैसा मेरा हाल हुआ था। चलो ना, क्या सोच रहे हो, कल दोनों पूना जाएंगे। मैं चुप, तुम डरो नहीं, तुम्हारा खर्चा मैं कर लूंगी। फिर भी मैं चुप। मेरे दिमाग में विचारों की उथल पुथल थी। देखो, ज्यादा सोचो मत, वो किताब देखी है ना, लाइफ फॉर एंजॉयमेंट। क्या है जिंदगी में, खाया पिया त्यागा भोगा हुआ पाया। इस संसार में आदमी जो आज है कल नहीं। अच्छा, मैं उतरता हूँ, लेकिन कल पूना जरूर जाएंगे। हाँ, वैसे मैंने संदेश नहीं भेजा है कि मैं कल ही पहुंचूंगा, तो फिर ठीक है। कोल्हापुर स्टैंड पर गाड़ी रुकी। हम अपनी अटैचियां लेकर नीचे उतरे। बस स्टैंड के ओसरे में आए। वेट, हाँ, कहते हुए मिलना ने सूटकेस नीचे रखा, पर्स खोला, उसमें से एक मंगलसूत्र निकालकर अपने गले में पहना। ये क्या है, ठहरो बताती हूँ। उसने सूटकेस उठाया। सुनिए, आप बता सकते हैं यहाँ लॉजिंग किधर है? मिल्ला ने वही खड़े एक सफेद पोश आदमी से पूछा। वो देखिए उधर, वो दिखाई देता है ना, वही है लॉजिंग। नजदीक ही एक लॉजिंग की ओर इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा। थैंक यू महेश, आओ। सामने का रास्ता लांघकर हम लॉजिंग पर आ पहुंचे। एक रूम मिलेगा? मिल्ला ने मैनेजर से पूछा। मिलेगा। रजिस्टर बुक खोलकर आगे सरक कर उसने कहा, अपना नाम इधर लिखना। नाम लिखने की जगह पर उंगली रखते हुए उसने कहा। मिलान ने पेन उठा लिया और लिखा, मी एंड मिसेस महेश सावंत, और यहाँ साइन करो, कहते हुए मुझे पेन थमा दिया। मैं जरा उलझन में पड़ गया, कहीं ये मुझे किसी झंझट में तो नहीं फंसा देगी। ये विचार मुझे कचोट गया, पर दूसरे ही पल बदन पर से छटकी धूल की तरह उसे मैंने झटक डाला और हस्ताक्षर कर दिए। रूम नंबर 36 में चलो, मैनेजर ने मुझसे कहा। रूम बॉय ने कमरा दिखा दिया। हम दोनों रूम में आए, वाश किया, दो कप चाय मंगाई। क्या तुम जान गए मैंने मंगलसूत्र क्यों पहना है? अब लॉजिंग भरे हुए होते हैं, सोचा एक ही रूम होता तो किसी एक को ही मिलता। पति पत्नी हो तो सवाल नहीं उठता। मुझ पर ऐसी
कई बार पीती है, इसलिए मैं ये मंगलसूत्र हमेशा पर्स में रखती हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं मुक्त जीवन जीती हूँ। मैं चुप रहा, आगे कुछ नहीं बोल पाया। रात का खाना हमने कमरे में ही मंगवाया। मैं यहाँ नीचे सोता हूँ, सोने के समय मैंने कहा, क्यों, ये बिस्तर तो अच्छा खासा है, यहाँ दोनों आराम से समाएंगे। डरते हो क्या? अब औरतें भी नहीं डरती, तुम तो मर्द हो। उसके इन शब्दों से मेरा पौरुष तनने लगा, उछलने लगा। मेरी कनपटियां गर्म हुई। मैं क्यों डरूंगा? तांबे का बर्तन हूँ मैं, टूटेगा थोड़े ही। मिट्टी का होता तो डर था। वो समझ नहीं पाई मैं क्या कह रहा था। उसने गाउन पहना, आओ। मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए वो बिस्तर पर फैल गई। रात बढ़ती रही, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैंने ने लाइट ऑफ की। अंधेरे ने उस कमरे को पूरे घेरे में लिया। दो बदन तपे उबले, फिर ठंडे शांत हो गए। मैं उस आलिंगन में तुरंत मुक्त हो गया था। मैंने सोचा, मैं कहां से निकला था, कहां पहुंच गया, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं पहुंचा। नहीं, कभी न पाया हो ऐसा स्वर्गीय सुख। और फिर मन और शरीर के साथ बार बार उसी का हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि चार रातें अपने महक भरे कदमों से कब गुजरी। पांचवें दिन मैंने आंखें खोली, बगल में मिलना नहीं थी, पर वहां एक चिट्ठी थी। मैंने वो उठाकर खोली। मेरे प्यारे महेश, नमस्कार। मैंने तुम्हें जो कुछ मेरे नाम, शहर, नौकरी के बारे में बताया वो सब झूठ था, लेकिन अब जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सच है। सुनो, तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। ऐसी मुक्त स्वर जिंदगी ने मुझे एक भयंकर दान दिया, सब कुछ खत्म कर देने वाला दान, और वो दान अब मैंने तुम्हें सुपुर्द किया है। तुम्हारे जैसे बिलबिलाते बेसब्र युवाओं को मैं ये देती घूमती हूँ। जिस आदमी का अपने आप पर नियंत्रण नहीं, उसके लिए यही सजा है, यही भेंट। वेलकम टू एड्स, वेलकम टू एड्स, वेलकम टू एड्स। मैंने चिट्ठी पढ़ी और मुझे पसीना छूटने लगा। मेरी रंग रंग ठंडी पड़ गई, जैसे पूरा खून सूख गया हो। माँ के कहे शब्द कानों में गूंजने लगे, संभल कर। हाँ बेटे, संभल कर, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। मेरे हाथों से चिट्ठी फिसल गई। उसे फिर से उठाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पहुंचा का होकर मैं उसे सिर्फ देखता रहा।